ज्यादा है, और ये क्यों ऐसा है? अब हम में से बहुत से लोग जो सोशल साइंसेस के नहीं होंगे, तो हमें यूजली डिस्कशन सुनने में मिलता है अखबारों में, इधर उधर लोगों के बयानों में, कोई कहता है साहब ये प्रेम ये सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, बाद में आ गया, और कोई उसके पॉलिटिकल मोटिव्स की बात करता है, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि इवन इफ दैट वर्ड इज रिटन और नॉट रिटन, वॉट डज दिस कन्वे एंड वॉट इट रिक्वायर्स अस एज सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड, वो इम्पॉर्टेंट बात है। जो टर्म सेकुलर है, देखिए उसके ऊपर बड़ा डिबेट होता है इंडिया में और दूसरी जगहों पर। तो जब हम शुरू करते हैं बात को, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी टर्म, किसी भी वैल्यू का मतलब कैसे डिसाइड होगा। जैसे अगर आप में से कुछ लोग नेचुरल साइंसेस के हैं, तो आपके यहाँ तो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बहुत फिक्स्ड होती है। तो कोई फिजिक्स का आदमी इंडिया में है, नेपाल में है, अमेरिका में है, उसमें कोई डिबेट नहीं होता कि इस चीज़ का मतलब ये है, डेफिनेशन इज वेरी फिक्स्ड। बट इन सोशल साइंसेज व्हाट हैपेंस दैट देर आर अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स इन डेफिनेशन। सो हाउ टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट, और वॉट इज द रूल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट? इसका रूल ये है कि जब भी हम किसी इस तरह के टर्म के बारे में डिस्प्यूट होता है जो यूनिवर्सल है, जो पूरी दुनिया में यूज हो रही है, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एवोल्यूशन, कि ये टर्म जो है भाई वो दुनिया में कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, किन हालात में ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि उन डेवलपमेंट्स ने, उन हालात ने उस टर्म को एक मीनिंग दिया होगा, और वो टर्म फिर वहाँ पर ग्रो हुआ, ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व हुआ, और फिर धीरे धीरे दुनिया के दूसरी जगहों पर वो टर्म पहुंचा और लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो अब वो टर्म जो उसको मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट ने दी है, वो उसकी ओरिजिनल मीनिंग हो गई। अब आप दुनिया में किसी भी जगह जाकर उस टर्म के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप कोई नई चीज़ बना लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, हमारा मुल्क भी डेमोक्रेटिक है। अब कल चाइना में कोई खड़ा हो कि साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारी पार्टी की सरकार और हमारा लीडर एक ही होगा और इलेक्शन में एक ही पार्टी खड़ी होगी और जो भी कुछ वहां होता है, तो पूरी दुनिया में कोई इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक यूनिवर्सल मीनिंग है जो हम ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं इंडिया में, कि उसमें कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिकल पावर के लिए, और पार्टीज होनी चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए। तो चाइना या कहीं का भी कोई आदमी या दुनिया में कोई भी उसमें कोई नई मीनिंग देगा, तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा उसको, क्योंकि उसकी एक यूनिवर्सल मीनिंग है और पूरी दुनिया उस मीनिंग को मानती है। आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप कुछ और बना लीजिए, लेकिन आप किसी और सिस्टम को डेमोक्रेसी का नाम नहीं दे सकते। उसी तरह सेकुलरिज्म है या सेकुलर है, उसकी एक यूनिवर्सल मीनिंग है। तो कल मैं कोई नई चीज़ शुरू कर दूं यहाँ पर और उसको सेकुलर नाम दूं, तो मैं नहीं दे सकता, मुझे कोई नई चीज़ बनानी है तो उसको नया नाम दे दूं, समझ रहे हैं? मतलब आई कैन नॉट चेंज द मीनिंग। तो उसी तरह सेकुलर वर्ड है। तो अब सेकुलर को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू नो दैट फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड एंड वॉट वॉज द कॉन्टेक्स्ट एंड वॉट इज इट्स एक्चुअल मीनिंग। मैं बहुत शॉर्ट में इसके कॉन्टेक्स्ट को बताऊंगा आपको। देखिए ऐसा है कि अर्ली मिडिवल पीरियड में यूरोप में एक ऐसा समय आया जब यूरोप में रिलीजन बहुत स्ट्रांग होने लगा और लोग रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगे। तो यूरोप में रिलीजन उस वक्त, और आज भी जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर क्रिश्चियंस, एट दैट टाइम ऑल्सो दे वर क्रिश्चियंस, सो इट इज़ बेसिकली अबाउट क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिस्टियनिटी। तो जैसे जैसे लोगों का फेथ रिलीजन में बढ़ने लगा, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो लोग रिलीजन को चलाते थे, मतलब जो पोप, पादरी, बिशप्स, क्लर्जीमैन, उनका पावर उसी हिसाब से बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ऐसा है कि रिलीजन कोई भी हो, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड फेथ इज नेसेसरली ब्लाइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फेथ जो है वो ब्लाइंड होता है, इसीलिए उसको फेथ कहते हैं, फैक्ट नहीं कहते। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ तो आप, ये फैक्ट है ना, मतलब इसमें कोई फेथ की बात नहीं कि मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अशोक को और है कोई और साहब, ऐसा तो नहीं है ना, सामने नजर आ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। फेथ क्या है कि हम सब चाहे इस्लाम में बिलीव करें, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करें, हिंदुइज्म में बिलीव करें, किसी भी मजहब में बिलीव करें, हम सब मजहब का बेसिस क्या होता है कि फेथ इन गॉड।
और उसके अंदर एक चीज इनहेरेंट होती है कि आपका जो फेथ गॉड में है, लेकिन गॉड को आप कभी नहीं देखेंगे इस जिंदगी में, जब तक जिंदा है नहीं देखेंगे, मरने के बाद देख सकते हैं गॉड, तो आप गॉड को देखेंगे नहीं, इसीलिए वो फेथ है। जैसे ही आप किसी चीज को देख लेते हैं वो फेथ नहीं होता, वो तो फैक्ट हो जाता है। अब इस फेथ का मसला क्या होता है कि जब आप गॉड में यकीन रखते हैं, बिलीव रखते हैं और गॉड तक पहुंचना चाहते हैं, तो बीच में एक चीज आ जाती है इंटरमीजरी, दे आर द रिलीजियस लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स इन योर रिलीजन और विच एवर रिलीजन, एंड दीज रिलीजियस लीडर्स टेल अस दैट वी विल हेल्प यू रीच टू गॉड, हम आपको हेल्प करेंगे गॉड के करीब पहुंचने में, गॉड को समझने में, गॉड से बातचीत करने में। ये हमारे यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, वहाँ यूरोप में भी होता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आस्था, लोगों की बिलीफ रिलीजन में बढ़ने लगी, वैसे वैसे ये लोग बड़े पावरफुल होने लगे और इन्होंने लोगों को धीरे धीरे कन्विंस कर दिया कि साहब हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं दुनिया में, और आपको जो भी बात गॉड से कहनी हमसे बताइए, हम गॉड से बात करेंगे और फिर गॉड जो कहेंगे वो आपसे कह देंगे। तो उसके नतीजे में ये लोग इतने पावरफुल हो गए, और आपको पता है जैसे जैसे इंसान के पास पावर आता है वैसे वैसे पावर के मिसयूज होने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। एक बहुत मशहूर सेइंग है लॉर्ड एक्टन की कि दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड इन यूरोप। और वो लोग इतने करप्ट हो गए कि उन्होंने हर तरह का करप्शन करना शुरू कर दिया, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, डिबॉचरी करने लगे, सब सारी चीजें करने लगे, एक्सटेंट तक यहाँ तक बात पहुँच गई कि वो हेवन के सर्टिफिकेट्स बेचने लगे। लोग पैसे देते थे उनको, वो उनको सर्टिफिकेट दे देते थे, और ये कहा जाता था कि आपकी कब्र में रख दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट, जब मरने के बाद गॉड के पास जाइएगा तो उसको दिखा दीजिएगा गॉड को, और गॉड आपको हेवन में भेज देंगे, इतना सिंपल। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जैसे जैसे इन लोगों का पावर बढ़ने लगा, इन रिलीजियस लीडर्स का पावर बढ़ने लगा, वैसे वैसे जैसे मैंने आपको बताया, दे स्टार्टेड मिस यूजिंग देयर पावर, एंड वॉट फाइनली हैपेंड दैट विद द इंक्रीज इन पावर ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, द पावर ऑफ द सेकुलर लीडर्स दैट इज द किंग्स और द रूलर्स ऑफ कंट्रीज दैट रिड्यूस्ड। और ये जो रिलीजियस लीडर्स थे ये स्टेट के मामले में भी इंटरफेयर करने लगे, मुल्क में क्या होगा, गवर्नमेंट में क्या होगा, बादशाह का कौन सा बेटा हुकूमत करेगा, हर चीज में ये इंटरफेयर करने लगे। और क्योंकि लोगों का इतना सपोर्ट था इसलिए ये ज्यादा पावरफुल हो गए, और जो मुल्क के हुक्मरान थे, रूलर्स थे, वो कम पावरफुल हो गए। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर और सारे मुल्कों के अंदर यूरोप में ये रिलीजियोसिटी का पीक आ गया। ये पीरियड करीब 1000 साल का है जिसको यूरोपियंस आज भी अपने को कहते हैं कि वो हमारे डार्क एजेस थे। और उस पीरियड में क्या हुआ कि यूरोप के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी डेवलपमेंट था वो सब नीचे चला गया, और यूरोपियन सिविलाइजेशन नीचे जाने लगी, और लोगों ने रियलाइज किया, रियलाइज करते करते 1000 साल गुजर गए कि साहब हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एंड वी नीड टू कम बैक ऑन दैट ट्रैक विच वॉज लीडिंग अस टूवर्ड्स द डोमिनेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड। तो उस बीच ऑटोमन सिविलाइजेशन जो टर्की से निकली थी उसका राइज हो गया, उन्होंने यूरोप के बहुत से इलाके पर कब्जा भी कर लिया, और उस वक्त आकर यूरोपियंस ने रियलाइज किया कि साहब ये चीज़ जो है वो गलत है और हमको इस चीज़ से बाहर निकलना है, और कई फिलोसफर्स वहाँ पे आए जिन्होंने इस चीज़ को लोगों को समझाया भी कि साहब दिस इज समथिंग विच इज़ विच वी शुड रादर रियलाइज एंड लर्न एंड वी शुड चेंज आवर सेल्स। अच्छा, इशू क्या था, ये जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, इशू ये था कि फेथ जो है वो आपको ये बताता है कि आप किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसमें कोई एविडेंस तो है नहीं रिलीजन में। तो जब ये रिलीजियस लीडर्स बीच में आ जाते हैं हमारे आपके, तो ये आपको ऐसा इस तरह समझाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, और आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और ये रिलीजियस लीडर्स आपसे बताते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने इमोशंस का इस्तेमाल कीजिए, अपनी फीलिंग्स को आगे लाइए, दिमाग आप रैशनैलिटी में मत जाइए, क्योंकि अगर आप रैशनल थिंकिंग करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि फिर आपको तो समझ में आ जाएगा कि हम आपको वी आर टेकिंग यू फॉर अ राइड। सो देयर फॉर वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट क्लोज योर रैशनैलिटी एंड फोरग्राउंड योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, यू नो, फॉर अस। अब जब यूरोप में लोगों ने ये चीज को रियलाइज किया तो यूरोप में एक नई थिंकिंग शुरू हुई, एंड दैट थिंकिंग स्टार्टेड सेइंग दैट नो, व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 800-900 ईयर्स दैट इज रॉन्ग, वी नीड टू फोरग्राउंड आवर रैशनैलिटी। तो ये जो मूवमेंट रैशनैलिटी को फोरग्राउंड करने का था, दैट वॉज द मूवमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यूरोप में जो सेक्युलरिज्म आया उसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि रैशनैलिटी वो आगे होनी चाहिए, एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री
आप हर चीज को रैशनैलिटी से देखें। रैशनैलिटी मीन्स 2 + 2 = 4। जो चीज सामने नजर आएगी हम उसको यकीन करेंगे, जो नजर नहीं आ रही है जिसकी कोई लॉजिक नहीं उसको हम नहीं मानेंगे। कोई भी कह रहा हो, कितना भी बड़ा इंसान कह रहा हो, हम नहीं मानेंगे। हमें वो चीज सामने नजर आनी चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वही चीज मानी जाएगी, वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुआ 15th century ऑनवर्ड्स, इसमें कुछ दिन लग गए, सैकड़ों साल लग गए इस चीज को फोरग्राउंड करने में, इस प्रोसेस को चेंज करने में, दैट इन पब्लिक लाइफ, इन द पब्लिक स्फीयर, व्हेन वी एक्ट एज सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज रैशनैलिटी। इन आवर प्राइवेट लाइफ, इनसाइड आवर हाउस, इन आवर प्राइवेट लाइफ, वी विल हैव फेथ वेयर रैशनैलिटी विल नॉट कम, एंड वी विल बिलीव इन गॉड और वी विल नॉट बिलीव इन गॉड, इट इज अ पर्सनल मैटर। So that division between religion and politics, which was created as a consequence of this thinking, that came to be known as secularism. Now the whole world, America, other countries, even India adopted that principle of secularism. So many of our people in India, many of us, most of us rather, understand that secularism means division of religion and politics. No, that is not the real meaning. That is the consequence of something. What is the main thing is foregrounding rationality of thought. So secularism means rationality of thought. कि as a citizen, जब आप मुल्क में सुबह अपने घर से बाहर निकलेंगे और जब आपका जो भी conduct है जिससे दूसरे citizens पे असर पड़ रहा आपके काम का, चाहे आप teacher हो, चाहे doctor हो, चाहे रिक्शा पुलर हो, चाहे कुछ हो, हमारा जो भी काम होगा वो rationality पे based होगा, चाहे मुझे वोट देना हो या कुछ भी करना हो, हर काम rationality पे based हो। तो constitution जो सबसे important value हमें बता रहा है, रैशनैलिटी ऑफ थॉट। इसीलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जो आपसे कहता है इस बात को मान लो, नहीं। जो भी बात आपको बताई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज का एक लॉजिक है, उसका एक रैशनेल है। कोई भी बात ऐसी नहीं कही जा रही कि आप इंडिया के सिटीजन हो, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ये लिखा हुआ ये मान लो, नहीं। हर चीज की एक लॉजिक दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपसे किस चीज में बात कर रहा है, फेथ की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे रैशनैलिटी की लैंग्वेज में बात कर रहा है कि आप मुल्क के सिटीजन हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज हमारे देश को चलाएगी, ये बेसिस है। तो वो आपको भी बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी सरकार किसी भी समय में होगी उसको बता रहा है कि ये बेसिस होगा हमारे मुल्क को चलाने का। सो सेकुलरिज्म बेसिकली, और द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, विच वेदर रिटन इन द प्रीएम्बल और नॉट, इट रन्स थ्रू ऑल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल आप उठा दीजिए, हर आर्टिकल सेकुलर है। आप बात समझ रहे हैं? तो सेकुलरिज्म में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको पॉलिटिशियन कोई कहे मैं मानता हूं, कोई कहे मैं नहीं मानता हूं, कोई कहे इसका मतलब ये है, वो हमको इसी में फंसा देते हैं। आप उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ये मानना है कि सेकुलरिज्म जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे सेकुलर लैंग्वेज में बात कर रहा है। सेकुलर का किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, उसका धर्म के डिस्कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सिर्फ आपकी अकल से बात कर रहा है, रैशनैलिटी से, कि भैया जो भी बात मानो वो जब 2 + 2 = 4 की तरह एक्सप्लेन हो तो मान लो, कोई भी कह रहा हो, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बात क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे देश के हर इंसान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वो साइंटिफिक टेम्पर डालना चाह रहा है, समझ रहे हैं? तो ये बेसिक चीज। अब इसको हम देश की कुछ प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो हमें और समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए, हमारे देश में, हमारे समाज में जो चार सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी ऑल नो दिस, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्या है? एक प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म, हेट्रेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। एक है कास्टिज्म, हेट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। एक है लिंग्विज्म, डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ लैंग्वेज। एक है रीजनलिज्म, मेरा रीजन बड़ा अच्छा है, आपका रीजन खराब है, एंड सो। ये चार बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने हैं, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज तक हमको समय समय पर यही प्रॉब्लम्स परेशान करती है, या इनका कॉम्बिनेशन एक होता है। अब इशू ये है कि प्रॉब्लम्स हैं क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम तो हैं, आप देख ही रहे, बट वाई दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, ज़रा इसको समझने की हमें कोशिश करनी है, और फिर हम आगे की बात डिस्कस करेंगे कि इसके और क्या एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, पहले वहाँ से शुरू करते हैं, कम्युनलिज्म से, हेट्रेड against someone on the basis of religion. The moment I learn that you belong to some other religion, some kind of discriminatory tendencies come in my mind. Now, what is this? You देखिए, ऐसा है कि अगर आप अपने देश में कहीं भी घूमें, या आप सब, हम सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें इतना आइडिया तो है ही है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग किसी न किसी धर्म को फॉलो करते हैं।
हमारे देश में ऐसे लोग बहुत कम है जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, है कि नहीं? हम किसी न किसी मजहब को फॉलो करते हैं। हम अपने मजहब के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इतना दूसरे मजहब के भी बारे में जानते हैं कि हर मजहब के अंदर जो प्राइमरी टीचिंग्स हैं वो वही हैं कि भाई अच्छे इंसान बनो, दूसरों से मोहब्बत करो, दूसरों की इज्जत करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, और अच्छी अच्छी बातें हर मजहब में। अब आप सोचिए लॉजिकली कि अगर हम सब अपने को धार्मिक कह रहे हैं, रिलीजियस कह रहे हैं, एंड ऑल आवर रिलीजन्स टीच अस गुड थिंग्स, सो व्हाई इज इट दैट एट द ऑपरेशनल लेवल अ लॉट ऑफ अस आर नॉट दैट गुड, और वी कम आउट एज पीपल हु हेट पीपल बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन, और हु आर गिवन टू डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो लॉजिकली नहीं होना चाहिए ना कि हम सब धार्मिक लोग हैं, खुद ही कह रहे हैं हम धार्मिक हैं, खुद ही कह रहे हैं हम मजहबी हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम रिलीजियस हैं, और हमारा धर्म हमें अच्छी बातें सिखाता है, तो ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत से रीजन से मैं एक दो आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक रीजन उसका है हमारा मिसप्लेस्ड लव फॉर आवर रिलीजन एंड पीपल बिलोंगिंग टू आवर रिलीजन। आप सब जानते हैं कि लव इज अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। वी लव आवर फैमिली, वी लव आवर फ्रेंड्स, वी लव आवर टीचर्स, वी लव आवर स्टूडेंट्स, ऑल काइंड ऑफ लव इज एक्सप्रेस्ड इन वराइटी ऑफ वेज। बट एज मेच्योर पीपल यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन लव एंड ऑब्सेशन। लव इज अ वेरी रिडेम्पटिव पॉजिटिव फीलिंग, ऑब्सेशन इज वेरी डेंजरस, एंड यू ऑल नो व्हेन समबडी गेट्स ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ऑब्सेशन जेनरेट्स हेट्रेड। तो अक्सर आप सुनते हैं कि फला लड़का इस लड़की से शादी करना चाहता था और उसने शादी नहीं की, लड़के ने गोली मार दी। तो एक जो यंग बच्चा है उसको तो बड़ा अजीब लगेगा, यार ये कैसे हुआ? हम आप मेच्योर हैं, हम समझ सकते हैं कि ऑब्सेशन जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है, और उसने उस बच्चे के अंदर हेट्रेड पैदा की कि अगर ये बच्ची की शादी हमसे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी, हम इसको गोली मार दें, और उसे कोई परेशानी नहीं है, उसने बड़े आराम से ऐसा काम कर दिया। तो हमारा जो यूजुअली, मैं जब बात कर रहा हूँ जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप कैसा, मैं तो ऐसा नहीं करती या करता, हम यूजुअली अपने मुल्क के अंदर पब्लिक स्फीयर में अपने रिलीजन के मामले में अक्सर हमारे यहाँ लोग ऑब्सेसिव हैं। ऑब्सेसिव है मतलब हम अपने मजहब से गलत तरीके का प्यार करते हैं, और इसी वजह से वो प्यार हेट्रेड जनरेट करता है कि माई रिलीजन इज गुड, अदर रिलीजन इज बैड, सो फॉर प्रोटेक्टिंग माई रिलीजन इट इज एसेंशियल फॉर मी टू हेट द अदर पर्सन और पीपल बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन, एंड दैट बेसिकली जनरेट्स कम्युनलिज्म। सो रिलीजियोसिटी विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टर्न्स इन टू कम्युनलिज्म, दैट इज हेट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट मेक्स अस हेट पीपल, और दैट मेक्स अस ईजी टू हेट पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन। और इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए। अक्सर आप देखते हैं अखबार में, टीवी में, बहुत से लोग जो अपने को किसी धर्म का बड़ा लीडर मानते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर, उनके बहुत से फॉलोअर्स भी होते हैं, जब वो टीवी में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, अखबार पे आते हैं, तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने धर्म से या अपने धर्म के मानने वालों से बहुत प्यार करता हूँ। वो हेट्रेड एक्सप्रेस करते हैं दूसरे मजहब वालों के लिए, वो गाली देते हैं दूसरे मजहब वालों को, और फिर उनके फॉलोअर्स कहते हैं हाँ ये आदमी ठीक है, ये हमारा सही लीडर है। आप बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ कि हमको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए हेट्रेड की जबान यूज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लव की जबान यूज करेंगे तो कोई हमें नहीं इंपॉर्टेंस देगा। कभी आपने देखा कोई आदमी टीवी पे, अखबार में और सोशल मीडिया पे कहे कि मैं अपने धर्म से और अपने धर्म वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उसकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। जब आप हेट्रेड एक्सप्रेस करते हैं तब लोग कहते हैं हाँ यार ये आदमी है, ये सचमुच बहुत प्यार करता है अपने धर्म से, देखिए कितना ये हेट्रेड दूसरों के लिए रखता है। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पब्लिक स्फीयर में हेट्रेड की लैंग्वेज फोरग्राउंड हो गई। आप बात समझ रहे हैं? मतलब दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इसको दूसरी तरफ भी देखिए, अगर नेशनलिज्म के डिस्कोर्स में भी देखिए कि अगर किसी इंसान को, किसी नेता, सो कॉल्ड नेता जो भी हो, उनको जब अपने देश के लिए मोहब्बत एक्सप्रेस करनी होती है तो वो ये नहीं कहते कहीं कि मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं, वो दुश्मन देश के खिलाफ जहर उगलते हैं कि वहां पे बम मार देना चाहिए, उनको तबाह कर देना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए, तब लोग कहते हैं, ताली बजाते हैं, हाँ साहब ये आदमी देश से बड़ा प्यार करता है। तो प्यार करने के लिए लैंग्वेज क्या यूज करी जा रही है? हेट्रेड की। आप देखिए कितना डेंजरस है। सेम इज ट्रू इन द डिस्कोर्स ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म जो है उसमें भी यही डिस्कोर्स है कि आपको दूसरी कास्ट के लोगों के लिए जहर उगलना है तभी माना जाएगा कि आप हमारी कास्ट के बहुत अच्छे लीडर हैं या बड़े उसके खैर ख्वाह हैं या वेल विशर हैं। उसी तरह रीजनलिज्म, उसी तरह लिंग्विज्म। तो क्या हुआ कि जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर है, इन सब में जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो हेट्रेड की यूज हो रही है, और हेट्रेड की यूज करके ही हम अपने को साबित कर रहे हैं अपना क्रेडेंशियल्स एज समबडी हु लव्स हिज लैंग्वेज, हु लव्स हिज रीजन, हु लव्स हिज कास्ट, हु लव्स हिज रिलीजन। अच्छा,
दूसरी बात इसमें ये है कि साहब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो गलत तरह की फीलिंग्स हैं देश में, ये कभी कभी थोड़ा सा लगता है आपको हालात ठीक हो रहे हैं, फिर कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो फिर उस आग में घी डाल देते हैं और फिर वो हालात बढ़ जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सुधर रही है, फिर कोई उसको बढ़ावा दे देता है उस प्रॉब्लम को। तो ये कौन एक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं होने देते, या जो नहीं चाहते कि इसको हम ठीक करें, या जो आपसे कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली खराब कर रहे हैं? वो एक्टर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्यों करती हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्हें क्या परेशानी है भाई? वो तो देश से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अब उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आइडियली उनका क्या काम है कि वो आपके सामने आएंगी हर 5 साल बाद और आपको बताएंगे कि साहब हम अगर इलेक्शन जीत गए तो आपके लिए ये चीजें करेंगे। करना क्या है पॉलिटिकल पार्टी को? आपकी डेली की रिक्वायरमेंट्स को और नीड्स को पूरा करना है सिटीजन्स। सिटीजन्स हमारी नीड क्या है? खाना, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, यही सब तो हमारी नीड्स हैं, जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं रियल इश्यूज। ये पूरी दुनिया में एक ही है, ऐसा नहीं कि इंडिया में हमारे नीड्स ही हैं, अमेरिका में कुछ और है। दे आर द रियल इश्यूज। सो पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल ऑफ देम, दे शुड आइडियली कम बिफोर यू एंड मी एंड टेल अस दैट दिस इज आवर एजेंडा रिगार्डिंग रियल इश्यूज एंड दिस वी विल डू इन 5 years, कम एंड वोट फॉर अस। अब आपको कोई पसंद आए, जो ना आए उसको वोट दे देंगे, नहीं देंगे। अब ये जो रियल इश्यूज का मामला है, ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हमारा देश, आपको पता है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, आबादी बहुत है। तो इमेजिन कीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ, इमेजिन कीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ऑनेस्ट है और वो कहे कि साहब हम सिर्फ रियल इश्यूज की बात करेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, इसकी बात करेंगे। और इमेजिन कीजिए कि आपने उसको वोट दे दिया, वो जीत गई पार्टी। अब क्या होगा? आप सबको पता है कि देश में इतने लोग जॉब्स चाहते हैं, इतने जॉब्स हैं, इतना मकान बनाना है और इतना पैसा है, मतलब हर जगह अगर वो पार्टी जान लगा के दिन रात मेहनत करके सब काम करेगी आपके जो आप चाहते हैं, तो 5 साल बाद वो एक मिजरेबल फेलियर होगी और फिर आप उसको इलेक्शन में हरवा देंगे क्योंकि उसने तो किए नहीं कुछ काम जो उसने वादा किया था। वही दूसरी पार्टी के साथ भी होगा। तो सारी पार्टीज जानती हैं कि अगर हम ये सारे काम करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारा तो फेल होना जरूरी है, मतलब पास होने का कोई चांस ही नहीं एग्जाम में। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा इंटेलिजेंटली क्या किया हमारे देश में कि उन सब ने इन इश्यूज को या इश्यूज के एरिना को शिफ्ट कर दिया दूसरे मैदान में। वो कौन से इश्यूज है? वो है इमोशनल इश्यूज। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज डोंट डील इन रियल इश्यूज। बात आपको लगती है आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो कर रहे हैं इन्हीं चीजों की बात, लेकिन एक्चुअली बात किसकी कर रहे हैं? इन 4 चीजों की। आइदर दे आर ट्राइंग टू डिवाइड यू इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट और रीजन और लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज़ दीज आर इमोशनल इश्यूज। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? जो सेकुलरिज्म की बहस शुरू हुई थी उसको याद कीजिए कि वो आपकी अकल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशन को एड्रेस कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू यू नॉट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर टॉकिंग टू यू एज अ फॉलोअर ऑफ अ कास्ट और अ रिलीजन और अ लैंग्वेज और रीजन। उनके जहन में आप इस तरह से हैं, आप बात समझ रहे हैं? तो वो जो आपको एड्रेस कर रहे हैं वो एज एन इंटेलिजेंट सिटीजन नहीं एड्रेस कर रहे हैं, वो आपको एड्रेस कर रहे हैं एज एन इमोटिव इमोशनल फॉलोअर ऑफ रिलीजन ए और बी, इमोशनल पर्सन ऑफ कास्ट ए और बी, इमोशनल पर्सन रिजाइडिंग हियर और देयर एंड सो। तो आप समझ रहे हैं, पोलिटिकल पार्टीज ने बड़ा इंटेलिजेंटली इस डिस्कोर्स को इस मैदान से, रियल इश्यूज के मैदान से शिफ्ट कर दिया आर्टिफिशियल इश्यूज के मैदान में, जिनको कहते हैं स्यूडो इश्यूज। These are pseudo issues, religion, caste, region, language. Why they are pseudo? Because they are related only to emotions. They are not able to give you anything in terms of food, housing, electricity, medicine or anything. तो अब क्या हुआ? अब वही देखिए secularism की बात आती है कि political parties are all enemies of this word secular because what they are trying to feed you is totally non-rational. They are not addressing you as rational creatures. They are trying to address you as emotive creatures, emotional creatures, and they are addressing your identity. अगर आप ध्यान से देखें तो हर political party आपसे as citizen of India बात नहीं कर रही है, as somebody with some identity बात कर रही है। मैं आपको example देता हूँ, आप इसमें कोई motive मत लीजिएगा, मैं एक general example दे रहा हूँ कि फला पार्टी ने ऐसा किया था तो मैं उस पार्टी का सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे कोई पार्टी आती है आपके यहाँ इलेक्शन में, आपके स्टेट में, और आपकी
एक कोई कास्ट है जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपको पता है कास्ट इज एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं कि हमने कोई एग्जाम पास किया आईएएस का कि वो कास्ट मिल गई, लेकिन फिर भी आपके कोई कास्ट है और आपकी कास्ट ग्रुप के लोग बहुत संभ्रांत हैं, बहुत प्रॉस्पेरस हैं, आप लोग पास पैसे भी बहुत हैं, आपके लोग सर्विसेज में हैं, आप लोग हर तरह से बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूं, तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी कहती कि मैं आपको और आपकी कास्ट को रिजर्वेशन दूंगा। ये एक्चुअल सिचुएशंस ऐसी होती है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। अब आप दोनों लोगों को पता है, आप दोनों लोगों के ग्रुप्स को पता है कि आपको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, आप लोग तो ऑलरेडी बहुत प्रॉस्पेरस हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको रिजर्वेशन देता हूं आप कभी मना नहीं करते, आप चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, आप कभी नहीं कहेंगे नहीं साहब हमें नहीं है, बगल वाले को ज्यादा जरूरत उसको दे दो, नहीं, अच्छा हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि हमको आपसे कोई मोहब्बत है, हमने कैलकुलेशन कर रखा है कि अगर ये दो कास्ट हमारे साथ आ जाए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमें भी आपका कोई मतलब आपसे कोई मोहब्बत नहीं, हम तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने आपको ये चीज ऑफर की आपने फौरन यस सर कह दिया। क्यों यस सर कह दिया? आपकी भी बुराई नहीं, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वी लिव इन अ कंट्री वेयर रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो आपकी कास्ट कितनी भी प्रॉस्पेरस हो, कितनी भी अच्छे आपके लोग हो, आपको डर है कि कहीं हमारे बच्चों को पता नहीं नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी बिटिया का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग में दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर ये रिजर्वेशन मिल जाए तो हमारा और श्योर हो जाएगा। वैसे तो अच्छा ही है, हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई रखा है, हमारे बच्चे के चांसेस तो ऑलरेडी ब्राइट हैं, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, तो आप चुप रहेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे कि हमें ना दिया जाए, और आपको हम दे देंगे या नहीं दे पाएंगे वो बात की बात है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, जो कास्टिज्म समाज में था जितना भी, उसको 10-15-20% और बढ़ा दिया। कास्टिज्म बढ़े क्या घटे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो इलेक्शन जीतता है। उसी तरह रिलीजन की पॉलिटिक्स, हम किसी रिलीजियस ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, हमको उससे कोई मोहब्बत नहीं, हमको तो इलेक्शन जीतना है। हमने कैलकुलेशन कर रखा है कि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो सामने आ जाएगी, आप उस आइडेंटिटी के लेंस से दुनिया को देखने लगेंगे, और जब आपकी वो आइडेंटिटी का लेंस आपके चश्मे पे आ जाएगा तब आप हमारी फील्ड के आदमी हो गए, अब हम आपसे जो भी बात कहेंगे आप हमारी बात सुनेंगे और हमें वोट करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं कि सड़क बनी कि नहीं बनी, अच्छा इसमें बड़ी अच्छी बात पॉलिटिकल पार्टी के लिए और है कि उन्हें कोई काम ही नहीं करना है, क्योंकि आप तो आइडेंटिटी के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, काम पे वोट ही नहीं दे रहे, काम तो इंसिडेंटल है, हो गया तो हो गया, सड़क बन गई नहीं बनी नहीं बनी कोई परेशानी नहीं, हॉस्पिटल बन गया नहीं बना कोई बात नहीं, तो कितनी अच्छी सिचुएशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उन्हें करना ही नहीं है कुछ, उन्हें बस आपके सामने एक अच्छी स्पीच देनी है जो बड़ी जज्बाती स्पीच हो, जो आपकी इनमें से किसी आइडेंटिटी को एड्रेस कर रही है। अब उस कॉम्पिटिशन में जो सक्सेसफुल हो जाए, अब जो पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है बाकी सब उसको गाली देने लगते हैं कि साहब देखिए इन्होंने गड़बड़ किया, इन्होंने कम्युनलिज्म फैलाया, इन्होंने कास्टिज्म फैलाया, एक्चुअली हम सब फैलाना चाहते हैं, आप बात समझ रहे हैं, हम सब जहर बेच रहे हैं, लेकिन आपकी जहर की दुकान चल गई तो हम सब कह रहे हैं अशोक साहब देखिए बड़े बुरे आदमी जहर बेच रहे हैं, एक्चुअली हम भी जहर बेच रहे हैं लेकिन कस्टमर आपकी दुकान पर ज्यादा आ गए। वी आर ऑल डूइंग द सेम थिंग, वी आर ऑल ट्राइंग द सेम वेयर्स यू नो इन आवर शॉप, बट इंसिडेंटली दिस टाइम यू बिकेम सक्सेसफुल, नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम सक्सेसफुल। तो ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, जो कम्युनलिज्म कास्टिज्म रीजनलिज्म लिंग्विज्म का खेल खेल रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये चीज़ें कम हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें समाज में कम हो गई और आपकी अकल का दरवाज़ा खुल गया और आपने देख लिया कि ये सब गलत बातें हैं, तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी, तो उनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। तो उनको इंश्योर करना है कि ये चीज़ें कभी भी इनका टेम्परेचर कम ना हो और आप हमेशा इनके ट्रैप में आते रहें। अच्छा अगली बात कि इतना आसान क्यों है जो बात हम कर रहे हैं कि हम इनकी ट्रैप में आते चले जाते हैं, उसका रीजन है मुल्क की पॉलिटिक्स। एक्चुअली हम लोग पॉलिटिक्स वर्ड को अभी बहुत सही मतलब समझते नहीं, हम पॉलिटिक्स ये समझते हैं जो इलेक्शन हो रहा है, जो लोग पॉलिटिशियन है बस वही पॉलिटिक्स है, बाकी हम लोग जो हैं वो सब ठीक हैं और हमारे कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकली बड़ी सेटिस्फाइंग चीज होती है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डालते हैं, जैसे होता नहीं कि आप एज पेरेंट्स अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का बच्चा फेल हो जाए और दो तीन लोग आके समझाएं आपको कि साहब वो बच्चा फेल, आप सब टीचर हैं रोज देखते होंगे इस चीज़ को कि साहब वो बच्चा आपका फेल इसलिए नहीं हुआ कि बच्चा होशियार नहीं है, बच्चा तो बहुत होशियार है, टीचर गड़बड़ है, तो एक से एक पढ़ा लिखा आदमी इस बात को यकीन कर लेता है कि टीचर गड़बड़ है, टीचर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, टीचर खराब है, और आप जरा भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि आपका पड़ोसी जो है उसके बच्चे ने उसी क्लास में टॉप किया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको अपने बच्चे से इतनी मिसप्लेस्ड मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि आपको इतनी इरेशनल बात भी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो दिमाग में ख्याल है अपने बच्चे के बारे में उसको सेटिस्फाई कर रही है।
आप सबके जब बच्चे जिसके छोटे होंगे या नहीं होंगे तो आपके जब रहे होंगे आपको एक्सपीरियंस है, आप जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक से एक पढ़े लिखे लोग दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास की टीचर से लड़ते हुए दिखेंगे आप कि मेरे बच्चे को हिंदी में 2 नंबर कम कैसे दे दिया, मेरे बच्चे के वो नंबर मैडम आपने कैसे काट ली। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो किसी बड़े अच्छे स्कूल में आपने देखे होंगे, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अब आप सोचिए कि उस दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में टीचर आपके बच्चे के 2 नंबर काट के मेरे बच्चे के बढ़ा देगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बच्चा कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, या उससे क्या फर्क पड़ा उसकी लाइफ में। लेकिन वो जो हमारी मिसप्लेस मोहब्बत है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए हम वहां जाकर उस टीचर को का दिमाग खा रहे हैं फ्री में, समझ रहा। तो ये सब चीज क्या है, ये बेसिकली हमारी एक मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। उसी तरह पॉलिटिक्स के बारे में भी हमारी मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग है कि साहब देश में जो भी प्रॉब्लम है हम सब बहुत अच्छे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मैंने अभी बात किया उन्हीं की सब गलती है, वही सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि हम सब सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं जिसका असर दूसरे इंसानों की जिंदगी पे पड़ता है वो पॉलिटिक्स है। बात समझ रहे आप? जैसे आप टीचर हैं, हम टीचर हैं, हम जाके क्लास में ना पढ़ाएं या क्लास न लें या ठीक से ना पढ़ाएं तो ये एक डेलिबरेट एक्शन है। ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से मैंने क्लास नहीं ली या इत्तेफाक से अच्छा नहीं पढ़ा था, मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने डिसाइड किया है कि मैं गलत तरीके से काम करूंगा, तनख्वाह पूरी लूंगा। आप डॉक्टर हैं, आप जानबूझ के गलत दवाएं लिख रहे हैं, गलत ऑपरेशन कर रहे हैं, गलत टेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्फीयर में, वो एक डेलिबरेट एक्शन होता है, अच्छा या बुरा, और हमें पता होता है कि इस एक्शन का असर क्या पड़ेगा, अच्छा या बुरा। ऐसा इत्तेफाक नहीं है कि हमने सही काम किया और उसका गलत असर हो गया, कि हमने सीमेंट का पुल बनाया और वो भी गिर गया। अरे भाई, जब पुल बालू का बनाया था तो गिर गया, क्या परेशानी, तो हमने किया ही था वो ना, जानबूझ के किया था, गलती से थोड़ी गिर गया पुल, अमेरिका में क्यों नहीं गिर गया। तो बात यह है कि एक डेलिबरेट एक्शन है, बस फर्क यह है कि हमारे गलत एक्शन का, जानबूझ के जो हमने गलत काम किया उसका असर शायद कम लोगों पे पड़ता है, और जब कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और सेंट्रल मिनिस्टर गलत काम करता है जानबूझ के तो उसका असर ज्यादा लोगों की लाइफ पे पड़ता है। बस फर्क स्केल का है, काम सबका एक ही है। तो वी आर ऑल इन टू पॉलिटिक्स नाउ, व्हेन वी ऑपरेट इन द पब्लिक स्फीयर एज आई मेंशनड, रिसोर्सेज इन आवर कंट्री आर स्केस। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग अच्छे बुरे नहीं होते, हालात हमें अच्छा बुरा कर देते हैं। तो हम जो हिंदुस्तान जैसे अपना देश है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हर जगह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिसोर्सेज की कमी है। इस सिचुएशन को कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी। अभी आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाइए, स्वीडन, सॉरी, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज में, वहां आबादी बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत है, तो वहां पर क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लेंटी है, समझे, वहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। तो हमारे देश के अंदर जो हमारा बिहेवियर है, जो मैंने बताया इनसिक्योरिटी का, जिसकी वजह से हम हमेशा शॉर्टकट चुनते हैं और शॉर्ट रास्ता लेते हैं और जिसका एडवांटेज पॉलिटिकल प्लेयर्स बड़े आसानी से ले लेते हैं, वो चीज वहां पर इतनी आसानी से नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है। जैसे होता ना कि आप किसी अपने बच्चे का दाखिला कराने किसी अच्छे स्कूल में गए अपने शहर में, तो वहां पर 1,000 लोगों की लाइन है और सीट है 200, तो आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी है ना कि पता नहीं मेरे बच्चे का दाखिला होगा कि नहीं होगा। अब उसी बीच कोई टाउट आके आपसे कहता है कि सर मैं आपके बच्चे का दाखिला करा दूंगा, आप 2 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च कर दीजिए, तो आप टेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे का दाखिला हो जाएगा, 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, दे देंगे, बच्चा अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप देश के दुश्मन हैं, कोई टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं, बुरे आदमी, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन उस इनसिक्योरिटी ने आपको मजबूर कर दिया वो गलत काम करने के लिए। अब आप ही का सगा भाई अगर स्वीडन में रहता है, वो जब स्कूल में दाखिले में गया तो वहां स्कूल के बाहर 10 लोग खड़े हैं और स्कूल में 500 सीट है, तो उसको बेईमानी न करने का मौका है ना वो करेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका भाई बड़ा ऑनेस्ट है और आप डिसऑनेस्ट है, आप बात समझ रहे, मतलब हालात हमें डिसऑनेस्ट बना रहे हैं। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि हम लोग बेसिकली वी आर नॉट कम्युनल, कास्टिस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर विद हम इन अस, लेकिन क्योंकि हम इतने इनसिक्योर हैं कि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हमारी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर हमारी आइडेंटिटी को फोरग्राउंड कर देते हैं और फिर हमसे सपोर्ट ले लेते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर अगली बार भी जीतेंगे, उसके बाद भी जीतेंगे। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम अपनी इनसिक्योरिटी से ब्लाइंडेड हो जाते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा टीवी वगैरह पे, अखबार में बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है और जब सब लोग पढ़ लिख लेंगे हमारे देश में तो हम सब सही हो जाएंगे। ये गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप अभी खुद देखते होंगे कि जब इलेक्शन होता है और मेरी कास्ट का कोई आदमी इलेक्शन लड़ रहा है
उसने 10 मर्डर किए हैं, तो मैं पीएचडी देके, पीएचडी करने के बाद भी उसको ओट दूंगा। डॉक्टर साहब जो मेरी कास्ट के वो भी ओट देंगे, रिक्शे वाला भी देगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे लोग होके कहेंगे साहब इस आदमी को वोट मत दो, ये तो मर्डरर है। नहीं साहब, वो हमारा आदमी, हम सबको पता है हमारा आदमी कौन है। उसका नतीजा क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे ध्यान ही नहीं देती कि कितना बड़ा क्रिमिनल है कि उसको हम टिकट दे रहे हैं। वो सिर्फ कास्ट और कम्युनल गणित को देखकर इलेक्शन में टिकट देती। रोज आप पढ़ते हैं अखबार में कि 38% या 40% पार्लियामेंटेरियंस जो है इन पे सीरियस क्रिमिनल केस है। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब हमें परेशानी नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी को क्यों परेशानी हो? जब आप मर्डरर को, रेपिस्ट को वोट देने के लिए तैयार हैं तो वो क्यों परेशान हो? खड़ा कर रही है उनको, आप दे रहे हैं वोट। आपके पीएचडी करने से और डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ा। तो आपको इतना इनसिक्योर उन्होंने कर दिया है कि आप बस आंख बंद करके अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं, अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, जो आप समझते हैं कि अपना वाला कौन है। और हमारी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स फोरग्राउंडेड है, इसलिए आसानी से उनसे वोट लिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये इतना आसान क्यों है इन आइडेंटिटीज को फोरग्राउंड करना? मतलब हम पढ़े लिखे आदमी हैं फिर भी हमको बेवकूफ बना लिया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। उसका रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की 5-6 आइडेंटिटीज होती है, जो बड़ी नेचुरल चीज है। जैसे हमारी और आपकी आइडेंटिटी, एक हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक हमारी कास्ट आइडेंटिटी है, एक हमारी रीजनल आइडेंटिटी है, एक हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, एक हमारी क्लास आइडेंटिटी भी हो सकती है कि आप अमीर हैं मैं गरीब हूं। ये सब तो आइडेंटिटीज है ना, कोई परेशानी नहीं, सारी आइडेंटिटीज ठीक है। लेकिन एक हमारी आइडेंटिटी वो है कि हम इंडियन हैं, बस समझ रहे, वी आर इंडियंस, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर ये बात मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करता और ऐसे ही सवाल सबसे पूछ लिया जाता कि आप कौन हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है, तो हम में से ज्यादातर लोग में से कम लोग कहते कि हम इंडियन हैं। कोई कहता कि मैं फला धर्म का मानने वाला हूँ, कोई कहता मैं फला कास्ट का हूँ, गर्व से कहो कि फला कास्ट का आदमी मैं हूँ, कोई कहता मैं फला इलाके का हूँ। मतलब इंडियन आइडेंटिटी जो है वो हमारी यूजुअली प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कह रहे हैं आपकी है, होगी, लेकिन यूजुअली नहीं होती। ये कैसे पता लगता है? क्योंकि हम समाज को जिस चश्मे से देख रहे होते हैं वो नेशनल चश्मा नहीं होता, वो कास्ट या कम्युनिटी या रीजन या लैंग्वेज का चश्मा होता है। इसी वजह से जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब हम इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं तो हमने कास्ट का चश्मा पहन रखा है, तो हमारी कास्ट वाला आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो वोट उसी को देना है, क्योंकि हम उसी चश्मे से देख रहे हैं ना, हमारी रैशनैलिटी तो खत्म हो गई। अगर हमने नेशनल चश्मा पहन रखा होता तो हमारे सामने कास्ट का पैरोक्यूलिज्म, रिलीजन का पैरोक्यूलिज्म नहीं होता, हमारे सामने तो पूरा देश होता। और हम देखते कि ये 4 कैंडिडेट इसमें सबसे अच्छा कौन है, अपनी अकल इस्तेमाल करते, हो सकता है गलत होती बात, लेकिन हम अपनी अकल के इस्तेमाल से बेस्ट आदमी को सेलेक्ट करते। तो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको, इट रिड्स यू ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पैरोक्यूलिज्म्स। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन एनी कंट्री, पीपल यूजुअली हैव दीज पैरोक्यूअल आइडेंटिटीज एज लेंसेज, बट एज यू प्रोग्रेस विद टाइम स्लोली दोज लेंसेज आर शेड एंड वी कम अप विद द नेशनल ग्लास विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये कि एज इंडियन नेशनल्स आपकी कोई भी आइडेंटिटी हो 2 से लेकर 10 नंबर तक, लेकिन पहले नंबर पे जो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेशनल आइडेंटिटी। और उसका टेस्ट क्या है कि मेरी है कि नहीं, कि जब मैं वोट देने जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इन सब में से सबसे अच्छा कौन है, उसका धर्म, जाति, रीजन कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब किसी इंटरव्यू में जा रहा हूं तो इन 5 लोगों में से सबसे अच्छा बच्चा या बच्ची कौन है। मतलब मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं अपनी लाइफ में, वो सब डिसीजन मेरिट बेस्ड, वो तब होगा जब इन द ट्रू सेंस, इन द रियल सेंस, कहने को तो हम सब कुछ भी कह सकते हैं, इन द रियल सेंस द नेशनल आइडेंटिटी इज द प्राइमरी आइडेंटिटी फॉर दैट पर्सन। जिन मुल्कों में, जिन देशों में ये चीज हो गई है, एब्सोल्यूट सेंस में कहीं नहीं होती, तो उसका, उसको आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं उनके कंडक्ट से, बस समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका का, मैं अमेरिका का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन किसी की अच्छी चीज हो तो उसके बारे उसे सीखना चाहिए। हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम है, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लैंग्वेज, जो हमने बात की। अमेरिका में रेसिज्म बहुत स्ट्रांग रहा हमेशा से, और वहां तो इस तरह का रेसिज्म था कि लोग एक दूसरे को, ब्लैक्स को जला दिया करते थे, और मतलब कुछ ज्यादा ही था। और रेसिज्म ऐसी चीज है जो शक्ल देखते ही पता लग जाता है, अगर आप मुझसे 100 मीटर दूर हूं तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप वाइट है, मैं ब्लैक हूं, है कि नहीं? हमारे यहाँ तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा मुझे हेट करने के लिए। शक्ल सूरत मेरी अगर अच्छी है तो आपको लगेगा बड़े अच्छे आदमी है, जब मैं अपना धर्म और जाति बताऊंगा तब आप हेट करना शुरू करेंगे।
मतलब आपको टाइम लगेगा हिट करने के लिए, वहां तो दूर से ही हिट करना शुरू हो जाता है। अमेरिकन्स में ये बहाल थी, लेकिन 1960s तक आते आते अमेरिका ने कुछ सिविल राइट्स एक्ट पास किए और वहां पे लोगों की थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हुई, और इतनी चेंज हुई कि सेंचुरी के एंड तक आते आते और अगली सेंचुरी शुरू होते होते अमेरिका ने एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया। अब आप इमेजिन कीजिए, ये सिंबॉलिकली बहुत बड़ी बात है कि 1965 में ओबामा के फादर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते तो उनको भगा दिया जाता। वॉशिंगटन के किसी रेस्टोरेंट में वो कॉफी नहीं पी सकता था आदमी, उसको भगा देते, यू आर ए निगर, गेट आउट। वो आदमी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि अगले 40 साल बाद उसका अपना बेटा इस मुल्क का, जो दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है और जो पोस्ट दुनिया की सबसे पावरफुल पोस्ट है, उस पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाएगा, जबकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अमेरिका में वाइट्स हैं। क्यों हुआ? जब अमेरिकन्स ने इन जनरल, चीजें होती रहती हैं, रेसिज्म अभी भी बहुत है वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल जब वो इस लेवल पर एलिवेट हो गए मेंटली कि हमारे देश का इंटरेस्ट ये है कि साहब सबसे अच्छा आदमी यही है इस वक्त जो कैंडिडेट है उसमें हमारे देश को चलाने के लिए, तो उन्होंने उसको वोट दे दिया, उनके लिए आसान हो गया। बस समझ रहे हैं, ये सारा मसला हमारी थिंकिंग का है। बस समझ रहे हैं, हम लोग रियल सेंस में सेल्फिश ही नहीं है। हम लोग अमेरिकन को बड़ी गाली देते हैं, बड़े सेल्फिश लोग हैं, काश हम भी उतने सेल्फिश हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। हम तो अजीब तरह के सेल्फिश हैं कि अगर मेरा अभी, मैं अगर समझता हूँ कि मेरी कास्ट कोई बड़ी ऊपर वाली कास्ट है, जो भी आप समझते हो, और फलाने साहब की, डॉक्टर साहब की कास्ट के आदमी का मैं हाथ का पानी भी नहीं पीता हूँ, इनको इन्फीरियर समझता हूँ, इनसे बात भी नहीं कर सकता, और कल मुझे कोई बहुत सीरियस डिजीज हो जाए और मेरा ऑपरेशन होना हो हार्ट का, और मैं हॉस्पिटल जाऊँ और हॉस्पिटल में बताया जाए कि साहब जो सबसे अच्छे डॉक्टर साहब हैं वो उसी कास्ट के हैं, जो जिसको आप छू भी नहीं सकते, और बाकी डॉक्टर जो आपके कास्ट के हैं वो सब बैकडोर से आए हैं वो भी, तो आपका ऑपरेशन कौन करे? तो मैं फौरन कहूँगा साहब वो इन्फीरियर कास्ट जो है वो आज सुपीरियर हो गई है मेरे मामले में, और मुझे बेस्ट डॉक्टर मिले। तो आप सोचिए कितनी बेवकूफी की बात है कि मेरा डॉक्टर बेस्ट हो, मेरा ड्राइवर बेस्ट हो, लेकिन मेरे देश का ड्राइवर सबसे खराब हो। आप सोचें, या मेरे शहर का ड्राइवर सबसे खराब हो, या मेरे स्टेट का ड्राइवर सबसे खराब हो, क्योंकि मेरी कास्ट वाला इत्तेफाक से 15-20 मर्डर किए हुए, लेकिन मुझे वही चाहिए। तो सेल्फिशनेस भी कितनी बेवकूफी का सेल्फिशनेस है। आप देखें, मतलब मैं जनरल टर्म से बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की नहीं कर रहा हूँ कि आप कैसा, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, आप जरूर ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसे ही सोचते हैं, तभी हाल है ये देश का। तो मसला ये है कि हम जब इस लेवल पे एलिवेट हो जाएंगे, होंगे, क्योंकि अमेरिका को 200 साल लग गए 1989 से लेकर वो उनकी आज़ादी में, अब बहुत साल हो गए, हम अभी 70 ही साल हमारी उम्र है, और देश की उम्र 70 साल कुछ नहीं होती, हमारे आपकी ज़िंदगी के लिए तो 70 साल बहुत है, लेकिन फॉर अ कंट्री 70 ईयर्स इज अ स्मॉल टाइम, सो लेट्स होप दैट इन ड्यू कोर्स वी विल राइज अप एंड रीच टू दैट पॉइंट, बट हाउ फूलिश वी आर यू, एंड वी आर सो फूलिश बिकॉज अगेन सेक्युलरिज्म, यू नो दैट विंडो ऑफ रैशनैलिटी इज क्लोज्ड, द मोमेंट वी एज सिटीजन्स आर एबल टू ओपन दिस विंडो ऑफ रैशनैलिटी वील बी एबल टू मेक 2 + 2 = 4, इट्स सो सिंपल, वील बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो वेस्टर्न इंटरेस्ट, वेस्टेड पोलिटिकल प्लेयर्स वुड एंश्योर दैट योर विंडो रिमेन्स परमानेंटली सील्ड, यू ओनली स्पीक टू them or to the country through your identity. So till the time your identitarian politics or emotional issues are foregrounded, we'll never be able to see reason. So basically, you know, when I was talking to you on this issue, my basic purpose was to bring up out the essence of that value. Hum to pad lete na seedhe, India is a secular socialist democratic republic, pad liya sab, uski koi ahmiyat hi nahi hai, uski koi value hi nahi hai, sorry. वैल्यू क्या है उसकी, जब हम उस वैल्यू के एसेंस को अप्रिशिएट करें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर क्या स्पिरिट लाना चाह रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग, वी आर अ कंट्री ऑफ फॉर्मलिज्म, हम सब चीजों को दिखावे में डालते हैं कि हमने टी शर्ट पहन ली, आई लव इंडिया, और दिल्ली में एक रेस दौड़ ली और सब लोग खुश हो गए, वी लव इंडिया। अरे भैया, इंडिया को लव करने के लिए टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इंडिया को लव करने के लिए दिल के अंदर जिससे आप मोहब्बत करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो क्या लिख के घर में घूमते हैं, आई लव माई मदर? अरे एवरीबडी नोज यू लव योर मदर एंड योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मलिज्म है, आपने ये नहीं किया, रोज नहीं आप देखते हैं, अच्छा पोलिटिकल पार्टीज हमें और बेवकूफ़ बनाती है, रोज यही डिबेट चल रहा है, इन्होंने, आपने ये बात क्यों नहीं कही, आपने इनका नेम नाम आने पर मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल दिया, आप इनके लिए जिंदाबाद नहीं बोले, और आपने जब तारीफ की तो आपकी आवाज़ बड़ी म्यूटेड थी। भाई दीज आर एब्सर्ड यूजलेस डिस्कशंस,
दीज आर द डाइग्रेसर्स, जैसे नहीं होता जो घोड़े का एक्का होता है ना, उसके यहाँ लगा लेते ना एक ब्लिंकर, जिससे घोड़ा इधर उधर ना देखे, वो डाइग्रेस ना हो, सही रास्ते पे चले। तो हमारे हमको भी ब्लिंकर्स की जरूरत है, हम इधर उधर डाइग्रेस होते रहते हैं, इन सब बेकार के तमाशों में हमको फंसा दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं इसी में फंसे रहें, जिससे आपकी अकल का जो दरवाज़ा वो बंद रहे परमानेंटली। अगर हम ब्लिंकर्स लगा लें और सही फोकस्ड हो, तो हम समझ जाएंगे कि वॉट इज इन आवर इंटरेस्ट, बिकॉज वॉट एवर इज इन आवर कंट्रीज इंटरेस्ट इज इन योर इंटरेस्ट। देर कैन बी नो कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड योर कंट्रीज इंटरेस्ट, दे आर बोथ कंसिस्टेंट विद ईच अदर। द टाइम वेन वी रियलाइज दिस, दैट इज द टाइम यू नो वेन वी वुड बी एबल टू कंडक्ट आवर सेल्व ट्रूली एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। तो बाकी जो वैल्यूज हैं, जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो सब इसी से इंट्वाइंड है। बट डेमोक्रेसी क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो वो एक्सरसाइज कर सकता है जिसको समझ हो कि सामने जो चीजें हैं वो चॉइस में वो क्या है। अगर किसी छोटे बच्चे को आप चॉइस दे दें तो चमकते हुए आग के गोले को उठा लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आग का गोला जो है खतरनाक है। आप उसका हाथ पकड़ते हैं, नहीं बेटा इसको नहीं पकड़ना है, कितना भी खूबसूरत लग रहा। तो जब हम रैशनल हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं हमारे लिए हमारे देश के लिए, तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बेस्ट है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर पीपल हु डिजर्व इट, इट्स नॉट एब्सोल्युटली द बेस्ट। क्योंकि अगर गलत समझ के आदमी के सामने चॉइस रखी जाएगी तो वो तो चॉइस से अपना नुकसान कर लेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं कि चीज सही क्या गलत क्या है। तो पहले हमको क्या चीज डेवलप करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिफिक टेंपर। एज सिटीजंस ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मोमेंट द टाइम वेन वी आर एबल टू डेवलप दैट साइंटिफिक टेंपर इन आवरसेल्व्स एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड यू नो वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग वॉट इज ट्रू वॉट इज अनट्रू, देन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकनिज्म हैव एब्सोल्यूट मीनिंग फॉर अस, एंड देन वी विल बी एबल टू मेक द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस एज सिटीजंस ऑफ our country, and we'll be able to true to ourselves and to our country and be able to do the right things for the benefit and good of the country in the longer run. I've been able to make a lot of very provoking statements or arguments. My purpose was basically to provoke you ki aap kuch respond dein, kuch questions puchein, kuch ho jisse discussion acha ho. Tab thoda time bacha hua hai, main aapko I stop here to take your questions and comments so that I can respond and we can have a more meaningful discussion here. तो अब जो भी आप लोगों को पूछ बोलना हो या सवाल किसी के हो, please you respond to that. जी सर, मैं आए सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपने बात कही साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की, तो इसको किस तरह से सर हम डेवलप कर सकते हैं, हम हायर एजुकेशन में या एजुकेशन सिस्टम में के जरिए हम कैसे कंट्री में हम आगे बढ़े? वेरी गुड, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज क्वाइट ऑफन व्हाट हैपेंस, देखिए ये भी हम लोग के साथ बड़ी परेशानियां हैं। अक्सर ये होता है कि हमको भी बता दिया जाता है कि साहब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसको छोड़ दो यार, मतलब कुछ हो तो नहीं सकता, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, तो बात खत्म हो गई। आपने डिस्कशन किया आपस में और फिर ये हुआ कि साहब ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। क्या किया जा सकता है, और मैं उसको एग्जाम्पल लेता हूँ उन कंट्रीज का जिन्होंने किया है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि साहब ये तो ऐसी हवाई बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए ऐसा है कि एनी चेंज इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेर एवर चेंजेस हैव कम, जैसे मैंने भी आपको अमेरिका के एग्जाम्पल दिया, दीज चेंजेस हैव ऑल कम फ्रॉम द ग्रास रूट्स, नो चेंज कम्स फ्रॉम अबव। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो पोलिटिकल एक्टर्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी, जो भी लोग बेनिफिशियरी है इस सिस्टम के, दे विल नेवर वॉन्ट इट टू चेंज, जाहिर सी बात भाई उन्हें सबसे ज्यादा इस सिस्टम से फायदा हो रहा है। बगैर कुछ काम किए लोग उनसे खुश हैं, बगैर कुछ काम किए लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे सिस्टम को चेंज करना? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पार्टी चाहेगी कि आपकी सड़क पे ध्यान दे और बनाए, और 5 साल बाद आप उसको नापें और कहें इतनी बनाने को कहा था इतनी नहीं बनाई, इतने घर में बिजली देने को कही थी कहाँ दी आपने, इतने हॉस्पिटल बनाने को कहे थे कहीं बने हॉस्पिटल, तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तो चाहेंगे नहीं चेंज करना। तो चेंज किसको करना है? सिटीजन्स को, क्योंकि आप ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अच्छा, सिटीजन्स में भी कैसे चेंज करना है? देखिए मैं ये बात, ये टॉपिक अक्सर इस क्लास में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में डिस्कस करता हूँ। मुझे ये लगता है कि टीचर्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। व्हाई? यू सी, वी आर पीपल हु आर इनटू एजुकेशन एंड एवरी ईयर वी गेट ए फ्रेश क्रॉप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो नए यंग बच्चे बच्चियाँ होते हैं हमारे पास आते हैं, ये इम्प्रेशनेबल एज इनकी, अभी इनका दिमाग पूरी तरह फॉर्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर ओपिनियंस। ठीक है, बचपन से इनको जहर मिला है, ये ड्रग पे हैं, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंगुइज्म का घर से, फैमिली से, स्कूल से मिलता रहा है इनको ड्रग,
या काफी इनके अंदर वायरस फैला हुआ है, लेकिन आप उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने में, उनको दिशा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और ये नहीं कि आप सिर्फ सोशल साइंस के टीचर हो, आप चाहे फिजिक्स के टीचर हो, केमिस्ट्री के टीचर हो, जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो एज ए टीचर हमारी ड्यूटी है कि सब्जेक्ट के अलावा बच्चे के सामने कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे बच्चे को हमारे वैल्यू सिस्टम के बारे में पता लगे। क्योंकि कोई भी एजुकेशन बगैर वैल्यू सिस्टम के बेकार है। आप बच्चे को कंप्यूटर थोड़ी बना रहे हैं, अब तो एआई की जा रही है, उसमें वैसे भी वो बच्चे की टेक्निकल नॉलेज बेकार होने वाली है। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, सो वेन ह्यूमन बींग्स कम टू अस एज स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव टू गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम्स। एंड वेन यू टॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आवर ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू हेल्प इंस्टिल दोज वैल्यूज इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ दोज यंग पीपल हु कम टू यू। आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई इशू होता रहता है ना। जैसे मुल्क में कोई भी हंगामा हो गया, कोई इशू हो गया, कोई किसी चीज़ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ इशू होता रहता है हमारे जितने बड़े देश में। ऐसा हो नहीं सकता कि क्लास में जब बच्चे आए तो वो इशू से एजिटेट ना हो रहे हैं। तो आप 1-2 मिनट लेकर अक्सर आपको मौका मिलेगा जब आप उस पर इंटरवेंशन दे सकते हैं। अक्सर आपका इंटरवेंशन कम्युनलिज्म से कलर्ड होता होगा या हो सकता है, कास्टिज्म से कलर्ड हो सकता है। हमें ये करना है, इंश्योर करना है कि वो उससे ना हो, कि बच्चे को ये डायरेक्शन मिले कि साहब ये सही रास्ता ये है, सही विजन ये है, सही वैल्यू ये है। तो बजाय इसके कि उसके जहर में एडिशन करने के, या कम से कम ये सोच के कि हम बड़े सेफ रहेंगे साहब, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो भी एबडिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। यू शुड एंटर इन टू इट, बिकॉज वेन यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू नो। आप कोई मोटिवेटेड काम नहीं कर रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं भाई, तो सच बोलने में क्या डरना है। तो उस सच बात को कितनी खूबसूरती से आप अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं, वो दैट इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स दैट ग्रेट टारगेट। एंड द एजुकेशनल सिस्टम इन दीज कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। देखिए बच्चा जो होता है ना, पैदा होने से यहाँ तक पहुंचा जो है 18 साल तक, उसकी एक सोशल लर्निंग हो रही है, उसके लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, वो जो इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि फैमिली के एटमोसफियर में भी उसको कम्युनल बातें मिल रही हैं, कास्टिस बातें मिल रही हैं। हमको लग रहा है हम नहीं दे रहे, बच्चे बहुत ही परसेप्टिव होते हैं, बात समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम अपने बच्चे को जो है वो बहुत अच्छा बनाएंगे, वो बड़ा रैशनल होगा, ओपन माइंडेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ऐसे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन सारी प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो और हमारा बच्चा ना हो, बस समझ रहे। तो जब जो डिस्कोर्स, वैसे तो एज पेरेंट्स भी हम सब रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनली टीचर्स हैं, तो दोनों जगह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरवेंशनिस्ट रोल हो सकता है, जहां आप बच्चों को वो पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम दे सकते हैं और देना चाहिए। क्योंकि बगैर इन छोटे स्टेप्स के, ग्रास रूट से शुरू होते हुए, इवेंचुअल चेंज देश के अंदर कभी नहीं आ सकता, किसी मुल्क में नहीं है। तो देयर वी कैन प्ले आवर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी शुड नॉट लुक एट अदर्स कि फला नहीं कर रहा है और वो नहीं कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, वॉट इज माई क्लास लाइक, वॉट आर माई स्टूडेंट्स लर्निंग, वेदर माई स्टूडेंट्स रिमेंबर मी ऑल देयर लाइफ विद द काइंड ऑफ इंटरवेंशन आई मेड इन द क्लास, एंड दे डू रिमेंबर। आप सब रियलाइज करते होंगे, हम सब अपने कुछ टीचरों को जिंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि उस टीचर ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो शायद दूसरे टीचर नहीं दे पाए। तो दैट इज वॉट इज आवर जॉब। सो टीचिंग इज अ ग्रेट मिशन इफ यू टेक इट दैट वे, मतलब इट कुड बी अ वेरी लॉफ्टी एम्बिशन, बट दैट्स वॉट आई बिलीव। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, यस सर, बोलिए। थैंक यू सर। हेलो जी, जी बोलिए। थैंक यू सर। हेलो, आर यू, जी थैंक यू प्रसाद। एक्चुअली इन द रियल सेंस हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं मोवोक्रेसी है। द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कन्वर्ट मोवोक्रेसी इनटू डेमोक्रेसी। डॉ साहब प्लीज टू टेल अस। देखिए वो मैंने थोड़ा सा उस पर डेल्व किया था। देखिए डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, बट इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज डेमोक्रेसी इज लाइक, जैसे नहीं होता कि हम आपकी एज में, सर आपकी और मेरी एज में, अगर हमें कोई बहुत ही लेटेस्ट मोबाइल फोन कहीं से आ जाए, बेटे बेटी ने गिफ्ट कर दिया किसी ने, तो हमारे हाथ में शायद वो बेकार है, हम उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने टेक्निकल चीज़ें होंगी जो हमारे बच्चे तो आसानी से कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो इतना अच्छा मोबाइल जो 2 लाख रुपए का, हमारे हाथ में बेकार है, हम कहेंगे बेटा हमें सिंपल वाला दे दो, क्योंकि वो बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं, मतलब बात समझ रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता।
तो प्रॉब्लम मशीन की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। वैसे ही किसी भी देश में डेमोक्रेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बटन दबा के ला दी हमारे यहाँ 1950 में, लेकिन अभी धीरे धीरे हम उसके लिए तैयार हैं। वी आर नॉट द राइट पीपल टू गेट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम बिकॉज वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू राइज टू दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी। तो जैसे जैसे हम पॉलिटिकल मेच्योरिटी हमारे अंदर आएगी, तो फिर हम जब इन चीजों से ऊपर उठेंगे, कास्ट के आइडेंटिटी से, रिलीजन की आइडेंटिटी से, और एक वक्त आएगा, काफी चेंज आता रहता है। मैंने आपको बताया पॉलिटिकल प्लेयर्स आपको नहीं चाहते कि आप उससे ऊपर उठें, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आती है। जब हम उस लेवल पर उठ जाएंगे, जैसा दूसरे देशों ने दिखाया है एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि हम ही मतलब वी आर द ओनली पीपल हु हैव डन दैट। सो एट दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तो आप सही कह रहे हैं, तो मूवोक्रेसी है, लोगों को इधर भड़का दिया गया, लोग उधर भाग गए, लोग समझ रहे हैं यही बात सही है, और वो आदमी उसका कोई मोटिव है जिसकी वजह से हमें उधर लड़ा रहा है या भगा रहा है। तो ये सब तो हमको डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस लेवल पर मैच्योर हो जाएंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड देन थिंग्स विल चेंज। बट दैट टेक्स टाइम, बट दैट ऑल्सो टेक्स इंटरवेंशन। अनलेस पीपल लाइक यू एंड मी हु आर द रियल स्टेक होल्डर्स मेक द राइट इंटरवेंशन इन दिस प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ आवर सिटीजंस, तो हमारा बच्चा हमारे ही क्लोन पैदा होगा, उसका बच्चा उसी की तरह पैदा होगा, तो फिर कभी चेंज कैसे आएगा। तो इस चेंज में कुछ ना कुछ इंटरवेंशन जरूरी है, एंड वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, बट इट इज डूएबल एज अदर पीपल हैव डन। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। आई हैव आल्सो अ क्वेश्चन और अ क्वेरी। गुड आफ्टरनून सर, योर लेक्चर इज वेरी नाइस बिकॉज आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, सो आई कैन रिलेट ऑल द माय क्लासेस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म और फंडामेंटलिज्म? सो हाउ कैन आई डिफरेंस बिटवीन दिस, बिकॉज सम पीपल से कि ये तो नेशनलिज्म है, मैं जो बात कर रही हूँ अपने कास्ट, क्रीड, कल्चर और अपने नेशन को लेके, तो वो तो मैं अपने फायदे की बात कर रही हूँ। और कब वो रेडिकल हो जाता है और कब वो फंडामेंटलिस्ट और कम्युनलिस्ट बन जाता है, ये कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे या कैसे अपनी क्लास में इस वैल्यू को मेंटेन करेंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैडम बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि उससे बाहर रहूँ क्योंकि बाकी लोगों से भी बात करनी है, लेकिन मैडम ने एक सवाल पूछा। देखिए ऐसा है, यही तो चक्कर है कि जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए नेशनलिज्म जो है वो एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है, लव फॉर माई कंट्री। बट लव फॉर माई कंट्री डज नॉट मीन हेट्रेड फॉर द अदर कंट्री। बात समझ रहे? आप एक क्लास की स्टूडेंट है, आप टॉप करना चाहती हैं और आपका मुझसे कॉम्पिटिशन है, तो आपको टॉप करने के लिए क्या करना है? और मेहनत करनी है, ज्यादा नंबर लाने हैं, मेरा पैर पकड़ के थोड़ी खींचना है। अगर आप मेरा पैर पकड़ के खींचने लगे हो, मुझे एग्जाम में लिखने न दे, मेरी कॉपी खींचने लगेंगे, तो गलत बात हो जाएगी ना भाई। आप मुझसे ऊपर हो जाइए, आप ऊपर निकल जाएंगे। तो अगर कोई देश है मेरा और मेरे देश का किसी देश से समझ लिए कॉम्पिटिशन भी है, तो उस देश से आगे निकलने के लिए उसको पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे निकलना है, ठीक है। और वैसे भी नेशनलिज्म के डिस्कोर्स में एक होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म, जो आपने बात की, कि सिर्फ मेरा ही देश अच्छा हो और मेरे देश की अच्छाई दूसरे की बुराई से हो, बल्कि मेरी अच्छाई हो ना हो दूसरे की बुराई हो। जो मैंने अभी आपको कम्युनिज्म का डिस्कोर्स बताया था, वही चीज नेशनलिज्म के डिस्कोर्स में होती है। अगर आज किसी नेता को हमारे देश में बताना होता कि मैं देश से बहुत प्यार करता हूं, तो दुश्मन देश में वो जहर उगलता है। उस देश में भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, और हम उसकी जहर की लैंग्वेज से रिलेट करते हैं और मान लेते हैं कि आदमी हमारे देश का बहुत बड़ा भक्त है। बात समझ नहीं? एक होता है रिडेम्पटिव नेशनलिज्म। रिडेम्पटिव इज पॉजिटिव, भाई मैं भी खुश रहूं, मेरे मोहल्ले के सारे लोग खुश रहे, तो सबका फायदा है ना। अगर मेरे पड़ोस के दूसरे घरों में बम गिर रहा हो और गोली चल रही हो, तो मैं क्या सुकून से रहूंगा अपने घर में? तो समझदारी इसमें कि मेरा घर खुश रहे, मेरे पड़ोसी भी खुश रहे, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहा हूं लेकिन अच्छी दुआ ही कर सकता हूं। समझ रहे? मेरी नेक ख्वाहिश भी है कि भाई मेरे पड़ोस में सब लोग खुश रहे, मैं भी खुश हूं, हम सब खुश खुश रहे, दैट इज अगेन नेशनलिज्म। लेकिन यूजली कहा जाता है नहीं साहब, एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म चाहिए, कि सिर्फ मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो, बल्कि मेरा फायदा हो ना हो, क्योंकि मेरा फायदा करने के लिए वही बात की मुझे बहुत काम करना। सॉरी सर, बट दिस इज अ न्यू ट्रेंड राइट नाउ, नेशनलिज्म की जो नई परिभाषा है वो आज के डेट में यही समझ में आ रही है जो हम लोग देख रहे हैं। मैडम परिभाषा किताब में वही है, हमको गलत समझाई जा रही है, क्योंकि उससे उनको फायदा है ना। कुछ लोग नेशनलिज्म का एग्रेसिव नेशनलिज्म के डिस्कोर्स से वोट लेंगे, कोई अग्रेसिव कम्युनलिज्म से वोट लेगा, कोई अग्रेसिव कास्टिज्म से वोट लेगा। सब लोग अपने अपने वोट उनको चाहिए, वो कोई ना कोई कार्ड खेल के आपको डिवाइड करेंगे किसी भी पॉइंट पे। सो द मोमेंट समबडी कम्स एंड डिवाइड्स यू विद इन योर कंट्री इंडिया, दैट मीन्स दैट दे हैव सम मोटिव,
and they obviously have, because you know political parties have to win elections and that's what they are into. मतलब उनका trade है. तो मेरी कफन की दुकान है तो मैं दुआ करूंगा कि ज्यादा लोग शहर में मर जाएं, तभी तो दुकान चलेगी. अगर मैं सबकी सेहत की दुआ करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा. तो मुझे बुरा आदमी मत समझिए, मतलब मैं तो अपना बिजनेस चला रहा हूं भाई. तो दैट इज व्हाट इट इज. मतलब यू कांट बी क्लियरर देन दिस. एनीवे जी सर. सर यस मैम. सर आई एम जयप्रकाश. जी जयप्रकाश सर प्लीज. सर काइंडली एक्सप्लेन द प्रीएम्बल इन वेरी शॉर्ट. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए ऐसा है कि मैं क्योंकि कई वैल्यूज है, देखिए चार पांच छह वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया जो आपसे, इंडिया इज अ सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. उसके बाद दूसरी जो वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट देखी चीज है. दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल वैल्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जस्टिस. अगर दुनिया में इंसाफ कायम हो जाए कभी भी तो पूरी दुनिया पीसफुल होगी. जो भी लड़ाइयां देशों के बीच में हो रही हैं या मुल्क में हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस से है. कि आपको लग रहा है कि मेरा देश आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, आपको मेरा लग रहा है, हम दोनों लड़ रहे हैं, या देश के अंदर आपको लग रहा है कि कोई ग्रुप जो है उसको ज्यादा मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, तो एक इनजस्टिस है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये चाह रहा है कि हमारे देश के अंदर पोलिटिकल जस्टिस हो, पोलिटिकल एम्पावरमेंट हो सबका इक्विटेबल, इकोनॉमिक जस्टिस हो, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो किसी एक के हाथ पे ना चले जाए. अब आज क्या है, अगेन नो रिफ्लेक्शन ऑन एनी पोलिटिकल पार्टी, इट डजेंट हैपन इन अ डे. आज अभी पिछले साल ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी कि हमारे देश के 73% रिसोर्सेज 1% लोगों के हाथ में. तो दैट इज क्लियर कट अगेंस्ट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किया किसने भी हो ये इस पे मत जाइए आप. रिजल्ट ये है ना, रिजल्ट ये है कि सारे मुल्क की दौलत जो है वो ऑलमोस्ट 1% के लोगों के हाथ में है. तो इकोनॉमिक जस्टिस तो नहीं हुई. वैसी सोशल जस्टिस है कि हमने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17. सबको इक्वल कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकल में ना हो. आप रोज देखते हैं किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हम सब देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बात ये कह रहा है कि ये चीजें प्रैक्टिकली होनी है. इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से सेकुलरिज्म और जस्टिस से कोई फायदा नहीं जब तक वो चीज ऑपरेशनली ना हो. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू डू इट, बट द गवर्नमेंट्स विल डू देयर ड्यूटी व्हेन वी आर कॉन्शियस एंड वी प्रेशर देम टू डू इट. गवर्नमेंट कोई भी होगी वो नहीं चाहेगी कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को समझें, क्योंकि समझेंगे तो फिर तो डिमांड करेंगे ना इसकी. वो चाह रहे हैं हम इसी सब में उलझे रहें, कास्ट के नाम पे लड़ते रहें, धर्म के नाम पे लड़ते रहें, रीजन के नाम पे लड़ते रहें, जिससे कि वो जो उनकी ड्यूटी है उनको कोई ना बताए. लेकिन आप इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मुल्क के अच्छे खासे लोग किसी एक इसमें से इशू पर एकजुट होकर कहें कि ये किया जाए तो जो भी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिकॉज इवेंचुअली दे हैव टू टेक योर वोट्स. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर यूजुअली नॉट यूनाइटेड ऑन रियल कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज. वी आर समटाइम्स यूनाइटेड ऑन सम इमोटिव इशू. कोई इमोशनल बात हो जाती है किसी भी ग्रुप की तो हम सब यूनाइट होकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किसी सब्सटेंटिव इशू पर आमतौर से हम यूनाइट होकर डिमांड नहीं करते. और पॉलिटिकल पार्टीज तब तक सुकून से हैं जब तक ऐसा नहीं हो रहा है. मैं नहीं कर रहा हूं उसके लिए हमको कोई वायलेंस करना, हंगामा करना, हमको जस्ट एक ओपिनियन बनानी है. जब पॉलिटिकल पार्टीज को मैसेज मिल जाएगा कि लोग इस इशू पर यूनाइटेड हैं तो दे विल बी फोर्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट इशू बिकॉज दे ऑल वॉन्ट योर वोट्स. एंड इफ यू आर यूनाइटेड in large numbers on some issue, they have no option but to listen to you. Simple as that. Thank you, sir. Thank you. So as a teacher, we have to be very careful about our constitution and try to inculcate these things in our students. Definitely. Which is our, there is no choice. You are a citizen of India and it is your duty. There is no option. Yes, thank you. Item here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, sir. As you said that love for my country doesn't mean the hate for other country, likewise hum keh sakte hain ki love for my language doesn't mean the hate for other language. but what we are seeing is nowadays in our nation most of the conflicts are like ki why should I learn your language, you should learn ours too. So my question is, what is your idea of having a nation hatred free on the basis of linguistic discrimination? मैडम द सेम लॉजिक अप्लाइज अबाउट ऑल आइडेंटिटीज. क्या हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी इन सारी आइडेंटिटीज को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में डिफाइन कर दिया. जैसे तराजू होता है ना,
तराजू में आप इधर एक चीज रखें, इधर वेट रखेंगे, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। तो हमको ये समझा दिया गया कि सारी रिलेशनशिप्स इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की हैं। इस धर्म का फायदा होगा तो इसका नुकसान होना जरूरी है, इसका नुकसान होगा तो इसका फायदा होना जरूरी है, इस कास्ट को ऊपर जाना है तो इसको नीचे जाना जरूरी है, इस जबान को ऊपर जाना है तो इसका, अरे भाई सारी जबानें साथ साथ फल फूल सकती है ना देश में। जैसे गार्डन में आप जाएं तो सारे फूल एक साथ खिल रहे हैं कि नहीं खिल रहे हैं? गुलाब का फूल अपनी गर्दन दबाए हुए कि तुम नहीं फूलना, हम ही फूलेंगे। और सब लोग बहुत सी जबानें हमारे देश में बोली जाएंगी यार, यूज होंगी, तो उससे देश की रिचनेस बढ़ेगी कि घटेगी? आप अकल से बात कीजिए, मोहब्बत की बात, अकल। अगर आपका इलाका बहुत प्रॉस्परस होगा, मेरा भी प्रॉस्परस होगा, तो कोई प्रॉब्लम है? देश में ऐसा है कि अगर एक देश, एक स्टेट बहुत प्रोग्रेस करेगा, दूसरे को नीचे ले आना जरूरी है? ऐसा कहीं है? लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारे को पानी मिलेगा तो उसको नहीं मिलेगा, जनता को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, जनता को भी लगता है हाँ भाई फायदा तो मेरे प्रदेश का होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। समझ के नाम पर, इसी तरह कास्ट के नाम पर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड यू नो दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट गेन। एब्सोल्यूट गेन का मतलब दोनों का फायदा हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि तो आपको मिलेगी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो माइंडसेट हमारे दिमाग में डाल दिया गया है या डाला जा रहा है, हमको इससे बाहर निकल, बस जी 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 यस, द मोमेंट वी कम आउट ऑफ इट वी रियलाइज। वो तो सारा मसला चश्मे का है ना, अगर गलत चश्मा लगाया तो आप मुझे दिखेंगे नहीं, मैं भी सही पावर का चश्मा लगा दूंगा आप साफ नजर आ रहे हैं। तो चश्मा बदलना है अपना, बस बात सही है, सब ठीक हो जाएगा। स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। इंसान को लगता है कि इसी से सब जिंदगी में सुकून है, जब तक उनको हेट करते रहें। तो जैसे लव बड़ी है लेकिन हेटेड उससे खतरनाक फीलिंग है। दे शुड अंडरस्टैंड इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज सिर्फ बात करने का माध्यम है। यू आर एब्सोल्युटली, आई एग्री टू दैट। थैंक यू सर। जी साहब, एनीबडी एल्स हैज एनी अदर थिंग टू से? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ सर। मैं सर जी, मैं जब सर पढ़ाता हूँ बच्चों को अपने क्लास में, तो सबसे पहले एक मतलब एक थोड़ा सा शेर है, मैं बताता हूँ कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें दुनिया को किसी और की नजर से हम। तो बच्चों को मैं जब बताता हूँ, समझाता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि जैसे मेरा नाम अजय है मान लो तुम, और फिर मेरा दोस्त एक है उसका नाम शादाब है, और फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठा दिया गया है कि तुम जब शादाब का नाम सुनते हो, फिर उसके बाद मेरा दोस्त वो शादाब है, और फिर तुम मेरे बारे में तुरंत एक नजरिया क्रिएट कर लेते हो। मैं शुरुआत में जो बच्चे आते हैं, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, पहले उनको बताता हूँ कि उनके अंदर जो, जैसा कि आपने बताया, उनके अंदर एक जहर घोला गया है, एक ड्रग उनको दिया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको बताऊँ उन चीज को, जो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जो चश्मे लगे हैं इन चश्मों को हटाओ। तो लेकिन मैं देखता हूँ सर, उनके अंदर मैं बता तो देता हूँ लेकिन फिर कोई बदलाव जैसा कि दिखता नहीं है। फिर मैं एक चीज और देखता हूँ कि सेकुलर सिर्फ दो ही चीजें मुझे दिखती हैं इस, मतलब अभी तक केवल मनी और बॉडी ऑफ ए वुमेन, ये सिर्फ दो चीजें सेकुलर दिखती हैं। और सिर्फ सर सेकुलरिज्म को मतलब एक अच्छे फॉर्म में कैसे किया जाए, और कास्टिज्म को समाप्त कैसे किया जाए, मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके अजय जी, असफर भाई आपके सवाल का जवाब 2 मिनट बाद दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर असफर भाई। देखिए आप, आपको और कौन सलाम कर रहा है, देखिए नसीम साहब को स्पीच रखते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी जी, हमने भी आपको लेक्चर सुना थोड़ी देर। एंड माशाल्लाह वंडरफुल इंटरेक्शन आल्सो गोइंग ऑन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड आवर रिसोर्स पर्संस। सो पार्टिसिपेंट्स, असमर साहब इज वन ऑफ माय टॉप रिसोर्स पर्संस एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे, एंड आई होप द सेशन वेंट वेल। या इट वाज गुड एंड लॉट ऑफ lot of questions, so thank you Professor Asmar. You may continue, you still have another 15 minutes. I just wanted to greet you here, and because it's very encouraging to see participants having some interaction with you, and also encouraging to see so many videos on. I say that again and again. So ye course kal se hi shuru hua hai,
और पास लोग वीडियो ऑन करके मौजूद हैं, इसका मतलब है सीख रहे हैं। जी थैंक यू अस्मर भाई, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। तो अजय साहब, आप की अजय साहब से बात हो रही थी ना अभी, तो हाँ मैं रिस्पॉन्स बता रहा था आपके सवाल से। देखिए ऐसा है अजय साहब कि ऐसा एक्चुअली नहीं है कि जैसे मैं कोई एफर्ट शुरू करूँ या आप शुरू करें एफर्ट, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट करी, उसका फौरन रिजल्ट नजर आने लगे। एक चीज होती है कि अपनी तरफ से पॉजिटिव एफर्ट, कम से कम चेंज नहीं आया या आपको बहुत ज्यादा चेंज डिसनेबल नहीं है, आपको कम से कम इंटरनली सुकून है, यू आर एबल टू डू योर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज योर ड्यूटी टू डिस्पेल एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस, मिसपरसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हिच इज इन द माइंड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, वेदर इट एक्चुअली हैपेंस ऑर नॉट, दैट इज समथिंग व्हिच कम्स लेटर। मुझे तो ये सोचना है कि मैं अपनी ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सही से परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर धीरे धीरे ये चीज और बढ़ेगी और आप जैसे और लोग भी होंगे, लेकिन वो चीज बड़ी स्लो एंड इंक्रीमेंटल होती है ना, ऐसा रातों रात तो नहीं इफेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँ मैं अपनी क्लास में 35 साल से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अफसर नहीं हुआ, उसका बहुत कुछ हुआ हो, बहुत से बच्चों ने मेरे लर्न किया हो, जरूर किया होगा, बहुत से ने नहीं किया होगा, ठीक है फाइन, बट आई एम सेटिस्फाइड दैट आई एम डूइंग माई बिट। सो वी शुड ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स बट वी आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वी नीड टू डू आर बिट। हम लोग के अंदर जनरली ये होता है ना कि हम हमेशा दूसरे को देखने लगते हैं, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक एट द अदर पर्सन। जैसे नहीं होता टीचर्स बैठे स्टाफ रूम में तो प्रिंसिपल की बात हो रही है, या हमारी यूनिवर्सिटी में वीसी की बात हो रही है, वीसी ने ये गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, हम अपने बारे में नहीं देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वीसी और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स की जब मीटिंग कर रहा है तो वो टीचरों के बारे में बात कर रहा है, जबकि कल वो खुद टीचर था, लेकिन वो आज कह रहा है टीचर सही से पढ़ाते नहीं, सीरियस नहीं। तो हम लोग, हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम, हम दूसरे को देख रहे होते हैं ज़्यादातर, तो दूसरा तो ठीक है जो कर रहा नहीं कर रहा, हमें अपने को करना है। मतलब सिंसियरिटी ऑफ पर्पस एट माई ओन लेवल टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल कीप ऑन डूइंग इट, आई विल डू द राइट थिंग, whatever others do, it's their take you, let them do whatever they are doing, but at least I'll try to do the right thing. Matlab meri samajh se yahi mantra hona chahiye har insaan ka as a teacher hai, aap sukoon se rahenge, khush rahenge, aapki zindagi khush rahegi, baaki log jo apna kar rahe hain wo apni zindagi mein aur takleef mein rahenge ya nahi rahenge wo to wo dekhenge, aap to apna kaam sahi kar rahe hain na, to you are internally satisfied that you have at least done your bit. Thank you sir, thank you, thank you. गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ सुमित मुलेकी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इस लेक्चर के बाद हम एज अ कंक्लूसिव रिमार्क क्या लेके जाएं, कि ये जितनी भी चीजें हमारे बीच में अभी डिस्कस हुई हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं, सिटीजन का माइंडसेट रिस्पॉन्सिबल है, या एक पॉइंट आपने बीच में डिस्कस किया था जिसमें आपने स्वीडन का एग्जाम्पल भी लिया था कि रिसोर्स की लिमिटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये फैक्टर्स तो हैं लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हम कंक्लूसिव रिमार्क क्या लें आपके लेक्चर का? देखिए ऐसा है कि किसी एक की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम के लिए आइडियल ग्राउंड वो कंट्री होता है, जैसे इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखें, सिर्फ इंडिया नहीं है, जिस भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाए वहां किसी न किसी इशू पर लोग लड़ रहे होंगे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में होगी, इंडिया में कम्युनलिज्म कास्टिज्म होगा, कहीं और कुछ होगा, सब जगह कुछ है। द मेन रीजन इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फाइन दैट इज देयर, वो तो है। दूसरे इशू ये है कि मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक, फॉर्चुनेटली वी आर, बट वी आर एन इन्फेंट डेमोक्रेसी, अभी हम सिर्फ 70 साल पुराने हैं। तो मुल्क के अंदर जो पब्लिक लाइफ है उसको रेगुलेट करने, उसको कंट्रोल या उसको मॉडरेट करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही है, क्योंकि मुल्क का पावर वो वील्ड करते हैं, आज कोई करे कल कोई करे, तो उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क को एक डायरेक्शन दें। लेकिन जैसे हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका भी होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि विद टाइम दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर देम, बिकॉज हियर दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन रियल टर्म्स एंड दे जस्ट नीड टू प्ले विद आवर इमोशंस एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो उनका तो एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वो ये चीज कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इशू यहाँ ये, रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, इशू यहाँ ये है कि मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं, सिटीजन्स हैं, हमारा देश है, हम ही में से लोग ऊपर नीचे जाते हैं, कोई गवर्नमेंट में आता है, कोई कहीं जाता है, हम स्टेक होल्डर्स हैं। और किसी भी मुल्क में चेंज तब आता है जब सिटीजन्स उस चीज को रियलाइज करते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, या सिटीजन्स उस चेंज में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं तो चेंज कहीं नहीं आता, समझ रहे? तो हमें
क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम सबसे बड़े सफरर हैं इस प्रॉब्लम के, तो हमें जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और हम इसके लिए काम करना नहीं शुरू करेंगे तब तक चेंज कभी नहीं हो, बात समझ रहे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है तो बेसिकली तो हालात रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हालात को एग्रेवेट करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, बात समझ रहे। मतलब एक हमारी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में गए लेकिन आप डॉक्टर मिल गए जिन्हें कुछ नहीं मतलब, या बैकडोर के डॉक्टर थे तो आपने हमारी हालत और ख़राब कर दी, आपको तो हमें दवा दे के सही करना था ना, तो आप तो डॉक्टर थे लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक करने की जगह वो नकली टेस्ट और वो करवा दिया ऑपरेशन, क्योंकि उसमें कमीशन था, तो हम उधर हमारी जान चली गई। तो दैट इज वॉट पोलिटिकल पार्टीज कुड हैव डन, दे शुड हैव डन, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर नॉट डूइंग इट एंड दे विल नॉट डू इट बिकॉज दैट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो अब करेगा कौन, हम ही कर सकते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, आम सिटीजन्स, पढ़े लिखे लोग, मोर सो टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशनिस्ट इन दिस, हु कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन दिस। तो बेसिकली ये चीज है इसकी, मतलब इस फ्रेम में हमको चीजों को देखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज प्रवीण गोस्वामी। जी गोस्वामी सर, थोड़ा मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए, क्या परेशानी है सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे अपने यहाँ इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले राहुल गांधी बाहर की यात्राओं पे गए और उन्होंने अपनी कंट्री का जिक्र थोड़ा हेट्रेड वे में किया, मतलब जिसको अपनी कंट्री के सिटीजन्स ने और अदर पार्टीज ने कहा कि ये एक तरीके से देशद्रोही ट्रेटर का काम कर रहे हैं। तो सर वो उनका जो डिस्कोर्स है वो किस तरीके से, क्या वो क्या उसको किस उसमें देखें लेंस में, ये क्वेश्चन था सर। देखिए आपने एक सवाल पूछा, उस वो किस चीज को इंडिकेट करता है, मैं उस लार्जर ट्रेंड की बात करता हूँ। देखिए ऐसा है कि दिस इज अ पार्ट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट ए और बी सेड। देखिए ऐसा है कि ये सब डाइग्रेसर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आपको डाइग्रेस करती हैं किसी ऐसे ट्रिवियल और इमोटिव इशू में फंसा के जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बात समझ रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिग्निफिकेंस अब यहां किस बात का है? आप इंडिया के सिटीजन हैं, अभी रिसोर्स की बात हो रही थी, बात किस पे होनी चाहिए कि मुल्क के रिसोर्स जो हैं वो कहाँ हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा चीज जो जिसका आपकी लाइफ से डायरेक्ट ताल्लुक है ना भाई, रोटी कपड़ा मकान घर बिजली सब ये इश्यूज हैं। ये इशू मेन नहीं, लेकिन आप ये देखें कि हर पॉलिटिकल पार्टी, ये जो सारा डिस्कोर्स इलेक्शन के ज़माने में होता है आप अगर गौर करें तो 90% इस पर होता है कि इन्होंने ये बात कही, इन्होंने ये बात कही। किसी के कुछ कहने से ना कहने से, मैं नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात कहनी चाहिए अच्छी बात नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज अ वेरी पेरिफेरल थिंग, व्हाट समबडी सेड व्हाट समबडी डिड नॉट से, बस समझ रहे। जैसे आप एक इंजीनियर हैं और आपने एक वैसा पुल बना दिया जैसा रोज हमारे देश में गिर रहे हैं, और मैंने कोई एक बात कहीं कह दी फेसबुक पे, तो आपको तो कोई देशद्रोही नहीं कहेगा, मैं देशद्रोही बन के जेल में चला जाऊंगा, है कि नहीं? अगर मैं किसी पार्टी या किसी ऐसे से हूं जिससे आपको कोई फायदा किसी को हो रहा है, वो इशू बन जाएगा, वो डिस्कस हो। तो आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देश में ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो देशद्रोही हैं, और कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं? मैं छोटे लेवल पर आ रहा हूं, नेता होता तक बात नहीं पहुंच सकती, समझ रहे? तो ये सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है, वो तो उस देशद्रोही के डिस्कोर्स में कहीं भी कहीं आ ही नहीं रहे हैं। फॉर्चुनेटली फॉर देम दे आर आउट ऑफ इट, एंड समवेयर समबडी अनफॉर्चुनेटली गेट्स ट्रैप्ड, तो फिर वो उस पर बात होने लगती है, वो तो अलग बात है। जनरली ये इशू ही नहीं हमारे, मतलब ये कोई अच्छा जनता को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब बात समझ रहे। इसीलिए पोलिटिकल पार्टीज विद इम्प्यूनिटी ये चीजें करती रहती, बात समझ रहे। तो क्यों? क्योंकि नेशनल रिसोर्स से साथ कुछ करना कोई बात ही नहीं है। सारी बात यह है कि इन्होंने ये बात कह दी और आपके उस लीडर ने वो तब ये बात कह दी थी, वो रिकॉर्ड सुनाने लगा, देखिए उस लीडर ने ये बात कही थी, दूसरा टेप लेके आ जाएगा, इन्होंने ये बात कह दी थी और आप पहले इस चीज़ के अगेंस्ट थे और इसके फॉर आ गए। किसी सब्सटेंटिव पॉलिसी इशू पर डिस्कोर्स ऑनेस्टली यूजली नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो वो सारी उन चीज़ में होता है जिनका एक ऑप्टिकल इफेक्ट हो, शायद लोगों को अच्छा लगे वो बात हो रही है, लेकिन मेन इशू जो है वो जो रियल इश्यूज हैं जनता के वो कभी डिस्कस नहीं होते। आप मैं एक एग्जांपल दूं, आप इतनी उम्र हो गई, जितनी भी दिन आपकी उम्र है,
आपने कभी आज तक देखा जब से आप मैच्योर हुए होंगे कि पार्लियामेंट में कोई वॉकआउट नहीं होता अक्सर और हाउस में घुस जाते हैं लोग और लड़ने लगते हैं, मतलब नहीं पार्लियामेंट में कोई बड़ा डिस्कशन इशू कभी आज तक हुआ कि साहब देश में हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में 104 नंबर है इस पर कुछ लोगों ने अपोजिशन किया और उस पर हंगामा हो गया, या देश में एजुकेशन पे जो है साहब 1% पैसा सिर्फ खर्च होता है उस पर ज्यादा खर्च होना चाहिए वो इम्पोर्ट, मतलब किसी भी रियल इशू पर आज तक कभी भी किसी की भी सरकार रही हो कोई हंगामा हुआ नहीं हुआ, सब ऐसे इश्यूज पर होता है जो फाइनली जो है मतलब जिनका कोई मतलब सब्सटेंटिव इफेक्ट नहीं है हमारी लाइफ से। तो कहने का मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो डिस्कोर्स करती हैं वो हमेशा किसी पेरिफेरल इशू पे होता है और इन चीज़ों पे होता है और हमें उसी में ट्रैप कर दिया जाता है कि साहब देखिए इन्होंने ये कहा, दूसरा वाला भी कोई बात बताएगा जैसे ये बात आपने बताई, दूसरी पार्टी वाला बताएगा कि साहब इन्होंने ये बात कह दी और इनके लीडर ने तो ये कह दिया था एंड सो ऑन। तो मतलब ठीक है आई एम नॉट कंडोनिंग दैट व्हाट एक्स सेड और वाई सेड, बट द पॉइंट इज दैट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इशू इज इम्पॉर्टेंट, बात समझ रहे हैं, जो सब्सटेंटिव इशू है वो इम्पोर्टेंट। मेरा एक सवाल इसी में ऐड करके था कि क्या देशद्रोह या सेडिशन का कोई क्लियर कहीं ऑर्डिनेंस है या हर पार्टी जब आती है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती है कि किसके ऊपर देशद्रोह लगाना है और किस क्राइम के लिए लगाना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कोई एक इंसान ध्वजारोहण या कह लें कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त को अपने स्कूल या कॉलेज में शामिल नहीं हुआ तो उसे भी देशद्रोह के लिए कहा गया कि तुम्हारे ऊपर देशद्रोह लगेगा, तो इज देयर इज क्लियर एनी ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग सेडिशन और कि ऐसे ही है रिलेटिव है कि कोई भी कैसे भी बना लेता है? मैडम देखिए ऐसा ना भाई, हमने कानून जो है वो बड़े ब्लैंकेट बना रखे हैं, अभी रिसेंटली वो और एक्सपैंड हो गया है, तो वही है ना कि सारी चीजें बड़ी पॉलिटिकली यूज हो रही है। मैंने अभी जो सब ने इन्होंने बात की, मैं एक और ऐड करता हूँ, अभी आपने अमेरिका की बात कही, राहुल गांधी ने कहा अमेरिका में एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है नॉम चॉम्स्की, आपने नाम सुना होगा, दुनिया के टॉप पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, उस आदमी से अमेरिका की बात करो तो पहला सेंटेंस में बोलेगा अमेरिका इज द टॉप नंबर वन टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। कोई बात नहीं, कोई वहां ये नहीं चिल्लाता कि बताइए साहब चॉम्स्की साहब अमेरिका के सिटीजन है और अमेरिका को टेररिस्ट कह रहे हैं, बल्कि वो लोग उस चीज को डिस्कस करने को मतलब उनकी ये भी मेरिट है डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इस आदमी को ये बात कहनी क्यों पड़ी, बात समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप यहां पर कहीं पब्लिक स्पीच में कह दें अमेरिका टेररिस्ट है तो यहां की पुलिस आपको पकड़ लेगी, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, आर यू गेटिंग द डिफरेंस, मतलब वी आर ट्राइंग टू प्लीज देम वी विल अरेस्ट यू बिकॉज यू सेड दैट अमेरिका इज अ टेररिस्ट ऑल्दो द अमेरिकन सिटीजन देयर इज स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो पॉइंट ये है कि किसने क्या कह दिया इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं, किसने जो कर दिया वो इंपॉर्टेंट है ना, बात समझ रहे हैं। हेलो सर, माय नेम राजकुमार। हेलो सर, माय नेम राजकुमार। जी राजकुमार सर। जी केवल 30 सेकंड के लिए एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। नहीं आप लंबा बोले सर, कोई बात नहीं। जी जी, एक विषय आया सर कि देश में जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो जातिवाद का विषय यदि आएगा तो हम देख रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज हैं, जब हम छोटी छोटी आइडेंटिटीज में बट जाते हैं, जब हम अपनी छोटी आइडेंटिटी को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं तो चीज़ें भेदभाव की और जातिवाद की आती हैं। हम अपनी छोटी आइडेंटिटी से बढ़कर कुछ बड़ी आइडेंटिटीज भी तो हैं ना, उन बड़ी पहचानों को अपना बनाएं, जैसे कि जाति से बड़ी आइडेंटिटी राष्ट्र है, नेशन है, क्या हमने कभी सोचा है अपने मनों में कि हम नेशन को फर्स्ट रखेंगे, भारत प्रथम होगा, भारत के खिलाफ कुछ भी या भारत जिसमें उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है ऐसे किसी ना तो विचार में शामिल होंगे ना इस तरह के किसी काम में शामिल होंगे। अभी चीज़ें आई, आपने देखा हम लोग कह तो लेते हैं बड़े आराम से, सारी चीज़ें हम बता देते हैं, लेकिन अभी यूपी में एक एनकाउंटर हुआ है, अभी रेलवे लाइनों पर लगातार छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन हम यदि यूपी में एनकाउंटर होने वाला जिसका एनकाउंटर हुआ है वो व्यक्ति मेरी जाति का है तो वो अपराधी हो गैंगस्टर हो 10 मुकदमे हो उसके पक्ष में पूरा समुदाय खड़ा हो जाएगा। हमारी रेलवे को रिले करने के लिए डी रिले करने के लिए यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम एक शब्द नहीं बोलते, दिक्कत यहाँ आ रही है, हमने अपनी आइडेंटिटी को नेशन फर्स्ट में नहीं बनाया, हम उस आइडेंटिटी को बढ़ा के नेशन को फर्स्ट रखें, जहाँ नेशन
के साथ अच्छा होगा वही हम खड़े होंगे, जहां नेशन के साथ कुछ भी गड़बड़ होगा वहां हम खड़े नहीं होंगे। यह दिक्कत है, हम लोग कह तो लेते हैं पर चलते नहीं उस रास्ते पर, यहां दिक्कत हो रही है। शायद जातिवाद खत्म करने के लिए राष्ट्र प्रथम है इस पहचान को अपनाना होगा, तो शायद जाति नीचे रह सकती है। सर, मैं भी एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर ने कहा कि जाति से ऊपर हम राष्ट्र को रखें तो शायद हम जातिवाद को खत्म कर पाएंगे, लेकिन मैं जहां तक आजकल एज अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट या टीचर कह लें, हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ही समझते हैं कि मैं ही नेशनलिस्ट हूं और मैं ही भारत का असली रक्षक हूं, और कुछ लोगों को नीचे दिखाने के लिए कहते हैं कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो और तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं है। तो एक विशेष जाति, एक विशेष ग्रुप ही है जो ये तमगा लगा के चल रहा है कि मैं ही नेशनलिस्ट हूं और मैं ही एक रक्षक के रूप में मैं ही ठेका ले रखा हूं। तो इसको ये भी कैसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि वो खुद ब खुद हमें किनारे कर देते हैं कि आप इस लायक है ही नहीं, आप नेशनलिज्म को समझते ही नहीं है, और हम जो समझते हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसको नहीं, भी दिक्कत यहाँ है, दिक्कत यहाँ है मैम कि हम क्या है, सेलेक्टिव हो गए ना। हम नहीं बोलते ना, हम नहीं बोलेंगे ना जो चलेगा देश में रेल को डिले करने पर जो चल रहा है वो हम नहीं बोलेंगे, बाकी चीजों में नहीं बोले, हम सेलेक्टिव बोलते हैं। हमेशा जब होता क्या, जब हमारा डेटा लगातार एक तरह का आता है तब कहा जाता है ऐसा। यदि डेटा हमारा डिफरेंट टाइप्स का आएगा, वेरियस डेटा आएगा, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। हमारे विचारों का डेटा क्या है, एक और झुका हुआ है, तो फिर ऐसा ही होता है ना। हमारा डेटा विभिन्न विचारों पर अलग अलग आना ही चाहिए, वहां पर अलग दिखाई देता है कि नेशन फर्स्ट कैसे। हर मुद्दे पर हम बातचीत करें यदि कहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे वहां पर वास्तव में नेशन दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही विचार या एक ही चीज पर हम हमेशा एक ही तरफ खड़े हैं, ऐसा ना हो तो चीजें फिर होती हैं। जब एक ही तरफ हमेशा रहोगे तो चीजें कहता है ना व्यक्ति फिर तो। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो आखिरी इंटरवेंशन हो गया, मैं लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टाइम हो गया। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करता हूँ, सर ने बात की, मैंने एक्चुअली यही बात आपसे जब आइडेंटिटी की कही थी तो यही बात कही थी कि नेशनल आइडेंटिटी नंबर वन होनी चाहिए, लेकिन जो बात सर ने कही ना उससे एक कन्फ्यूजन ही हो गया। देखिए ऐसा है कि राष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए, कहना बड़ा आसान काम है। आप देश में कितने दूध वालों को जानते हैं जो दूध में पानी या दवा नहीं मिलाते हैं, किसी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे। कितने इंजीनियर को जानते हैं जो ऑनेस्टली अपना काम कर रहा होगा? कितने डॉक्टरों को जानते हैं जो नकली टेस्ट नहीं लिख रहे होंगे? ये सब सब धर्म सब जाति सबके, और इसमें से आधे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। तो भैया देखिए ऐसा ही दोनों काम नहीं हो सकता सर, राजकुमार साहब, कि हम राष्ट्र से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपनी सारी हरकतें बरकरार रखेंगे। तो जब मेजॉरिटी लोग अपना ईमानदारी से क्लास पढ़ाने लगें, वक्त पे क्लास में जाने लगें, एक भी क्लास ना छोड़ें, 100% प्योर दूध देने लगें, सीमेंट का पुल बनाने लगें, हर काम जो जिनका है वो सही से करने लगें, रिलेटिवली मतलब ओवरवेलमिंगली गड़बड़ है, तब हम कह सकते हैं कि। और देखिए ऐसा है कि बात जो है ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टी, मैं फिर अगेन किसी पार्टी फेवर नहीं, जो कहा जाता ना ये नहीं बोले, बोले सब चुप रहे, बोलने की जरूरत ही नहीं किसी इशू पर। हर काम सही होना चाहिए भाई, एक सिस्टम है, किसी ने कोई क्राइम किया उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, किसी भी कास्ट का कुछ भी हो, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो है ना कि सारा डिस्कशन इसी पे आ जाता है कि वो बोले नहीं, अगली बार वो बोलेगा ये तुम इस पे नहीं बोले, मतलब सारी जनता बिचारी इसी में फंसी हुई है, कौन किस इशू पे बोल रहा है, हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो सारे क्रिमिनल्स अभी भी सब टहल रहे हैं, एक दो मर गए बाकी सब टहल रहे होंगे। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम राष्ट्र को जो प्यार कर रहे हैं वो कहने के लिए ना हो, इन द रियल सेंस हो। प्यार मतलब जो मेरी ड्यूटी है, जो भी लिमिटेड मेरी ड्यूटी है वो मैं ऑनेस्टली करूं, तब मेरी ये लोकस है कि मैं कहूं कि आई लव माय कंट्री, अदरवाइज तो मेरा लोकस ही नहीं है ना। जब मैं खुद अपना काम सही नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू से दैट आई लव माय कंट्री, दैट इज अ फॉल्स क्लेम। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन इन पर्टिकुलर, राज साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूं, मैं उसमें ये ऐड कर रहा हूं, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट ही इज सेइंग, आई थिंक ही विल एग्री टू दिस कि अपना काम तो ऑनेस्टली करो उसके बाद बात हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, our time is up thank you sir.
आजकल बड़ा पेट है जिसका हम अगर आप ये रेमेडी कर देते हैं आपका पेट हेलो Excuse me, is there another session or we just quit this session? अच्छा